हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल एसएफएम का न्यू बैच। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें अपन कवर करने वाले हैं। इसमें आपका सबसे पहले तो आईसीए का स्टडी मैट पूरा कवर होगा। आईसीए के जो भी आरटीपीज हैं, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम पेपर्स या फिर जो ओल्ड कोर्स हुआ करता था आईसीए का, उसके जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन हैं वो भी इस बैच में कवर होंगे। तो ये आप लोगों के लिए फुल रेगुलर कोर्स है। इसके बाद आपके कोर्स में कुछ भी पेंडिंग नहीं बचेगा। सीए फाइनल के कोर्स में जो कुछ भी है सब अपन इस बैच के थ्रू कवर कर लेंगे। और कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह भी अगर आपके आते हैं इन फ्यूचर या कुछ न्यू क्वेश्चन भी आते हैं वो सब भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सेकेंड चीज, आप लोगों को लेक्चर्स के साथ क्या मटेरियल रेफर करना है। तो लेक्चर्स के साथ आपको दो चीजें रेफर करनी है, एक कंसेप्ट नोट्स, दूसरा क्वेश्चन बैंक। कंसेप्ट नोट्स के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन कर लेना है जो कि अप्रोक्स 200 पेजेस का आप मेंटेन करिएगा। जो भी कंसेप्ट होंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एंड देन आपको प्रॉपरली नोट डाउन करवाऊंगा। वो आपको लेक्चर्स के साथ नोट कर लेने हैं। आप नोट करोगे लेक्चर्स के साथ, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको रिविजन में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। जैसे आप नोट करोगे तुरंत वो चीज़ आपको याद होती चली जाएंगी। सेकेंड चीज़, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। इसमें सारे आईसीए के क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशन, जो अभी मैंने मटेरियल बताया, एसएम, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम या ओल्ड कोर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं सब इसके अंदर होंगे विद सॉल्यूशन। लेकिन अपन क्लास में टोटल क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करेंगे। जितने भी आईसीए के क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन बैंक में वो सारे डिटेल में अपन क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। कोई सिमिलर क्वेश्चन होगा जिसकी वैल्यू चेंज करी होगी बस, सिर्फ वो आपको होमवर्क में मिलेगा। बाकी सारे क्वेश्चंस अपन डिटेल में क्लास में सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोगों को भी इसके लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए भी एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है। जो क्लास में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको रजिस्टर मेंटेन कर लेना है। क्वेश्चन बैंक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाले हैं, सेक्शन बी में थियरी क्वेश्चंस। आपके एसएफएम के कोर्स में थियरी भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। सिलेबस में क्या क्या है वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये दो चीज़ें आपको लेक्चर्स के साथ रेफर करनी है, कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, इवन आईसीए का स्टडी मैट देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बस आप ये दो कंटेंट पढ़िए और इसी में से आपका पेपर बनेगा। इसके बाद डाउट सॉल्विंग एंड गाइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका कैसे क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर आपके लिंक में मिल गया होगा, क्लास का जो आपके पास मेल आया होगा उसमें मेरा नंबर आपको मिल गया होगा। उस नंबर पे आप मुझे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं या मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे टिल एग्ज़ाम्स। कोई भी गाइडेंस आपको जरूरत है, ज़रूरी नहीं एसएफएम से रिलेटेड, कुछ भी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए या कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है, आप कभी भी मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए। मैं आपको इंस्टेंटली मान के चलिए कि मैं 24 आवर्स में कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने के, तो आपके 24 आवर्स में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी हम ऐड करेंगे जो सिर्फ क्लास स्टूडेंट्स के लिए रहता है। इस ग्रुप में क्या है, कुछ भी अगर अपडेट्स या कोई भी गाइडेंस देनी होती है तो उसमें कॉमनली हम वहीं पर आपको बताते हैं, कुछ भी आपको अपडेट अगर देना रहा। और साथ में हम जो क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट करते हैं जूम के थ्रू या कोई अदर मीन्स के थ्रू, तो उसका लिंक भी इसी ग्रुप में शेयर किया जाएगा जिसपे आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। लेक्चर्स तो आप देख लोगे लेकिन लेक्चर्स के साथ अगर रिवीजन नहीं किया तो हमारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करना है। आप जो भी लेक्चर देखोगे उसको आपको डेली 15 टू 20 मिनट्स डिवोट करके रिवीजन करना है। एक लेक्चर अप्रोक्सली 2 आवर्स की ड्यूरेशन का होगा, तो आप उसको 15-20 मिनट में बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो जितने भी लेक्चर्स देखो उनको डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करते जाना है। साथ में मैं आपको लेक्चर्स में भी रिवाइज करवाने वाला हूँ। लेक्चर्स में फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हमने पढ़ा तो उस लेक्चर के एंड में मैं उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के बिगनिंग में जो प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक है वो वापस से रिवाइज होगा। देन एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद हम उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो आपका लेक्चर्स के साथ इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि सारी चीज़ें एसएफएम की आपके टिप्स पर होंगी आपको, जिससे कि कोर्स में कोई दिक्कत ना आए, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को एसएफएम के लेक्चर के साथ फ्री टेस्ट मिलेगा जो एसएफएम का, वो आपको लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद लिखना है प्रॉपरली, जो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वो टेस्ट लिखोगे तो उससे आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी, आपको पता चलेगा आपको किस चीज़ में इंप्रूव करना है, तो सारी चीज़ें उसी के थ्रू आपको पता चलने वाली है। अब देख लेते हैं अपन पेपर पैटर्न क्या रहता है आपका एसएफएम का। देखिए एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, जिसमें से 100 मार्क्स का पेपर अपने को अटेम्प्ट करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, एक क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए। हर क्वेश्चन को आईसीआई जनरली 3 क्वेश्चन 3 सब पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C। तो जो ये ए बी सी हैं इनका जनरली जो पैटर्न रहता है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। क्वेश्चन ए जो होता है वो 8 मार्क्स का, बी 8 मार्क्स का और सी 4 मार्क्स का, जिसमें से ए और बी 8 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं और सी वाला जो 4 मार्क्स का है वो थियरी ही होता है जनरली।
तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है जनरल जो रहता है। कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल 1A 12 मार्क्स, 1B 4 मार्क्स, 1C 4 मार्क्स, तो ये भी हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन में आपके दो प्रैक्टिकल होंगे और एक थियरी होगा, यानी आपकी थियरी एक तरीके से आप लोगों के लिए कंपलसरी है। आपके 6 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में एक थियरी, यानी 20 से लेकर 24 मार्क्स तक की थियरी आपके पेपर में आपसे पूछे ही जाने वाली है, तो आपको थियरी करनी ही पड़ेगी। तो कुछ लोग सोचेंगे यार थियरी आ गई तो पेपर टफ हो गया, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। SFM में थियरी आपके 20-25 मार्क्स की जो है वो बहुत स्कोरिंग है, वो आपको बहुत ईजिली 20 मार्क्स फिक्स करा देगी, क्योंकि ICAI ने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक 4-5 चैप्टर दे रखे हैं जिनमें से जनरली वो 20 मार्क्स की थियरी पूछी जाती है, और जिसके मैं आपको 30-40 पेजेस के अराउंड की एक नोट्स दूंगा। वो नोट्स अगर आप 30-40 पेजेस पूरे अच्छे से याद कर लोगे तो आपके 20 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, उसी में से आएगा, वो आपको लिखना रहेगा बस। तो अपन पूरा डिटेल कवरेज करेंगे लेक्चर से, प्रैक्टिकल पोर्शन भी, थियरी भी, इसके अलावा, ताकि आपको कुछ भी ना देखना पड़े अलग से। अब देख लेते हैं अपना सिलेबस SFM का। सिलेबस बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। टोटल 14 चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स 9 मैंने यहाँ नोट डाउन करें जो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है, और थियरी चैप्टर्स में मैंने 5 चैप्टर यहाँ पे नोट डाउन करें जिनमें से जनरली थियरी पूछी जाती है। जो मैंने अभी आपको बताई 20 मार्क्स की थियरी, वो जनरली इन 5 चैप्टर में से ही पूछी जाती है, और प्रैक्टिकल इन 9 चैप्टर में से आपसे पूछा जाता है। प्रैक्टिकल हर चैप्टर में से एग्जाम में आपको मिलेगा SFM के अंदर। SFM में एग्जाम में हर चैप्टर में से एक प्रैक्टिकल मिलेगा, जो ये मैंने 9 चैप्टर यहाँ पे नोट डाउन करे। टोटल पेपर 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स का थियरी। प्रैक्टिकल में जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फोरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर्स। और थियरी चैप्टर में फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस। इसमें से 2 चैप्टर हैं रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस, इनमें थोड़ा बहुत पोर्शन प्रैक्टिकल भी है, लेकिन जनरली इनमें से थियरी पूछी जाती है, इसलिए मैंने थियरी में इनको कैटेगराइज किया है। तो ये पूरा आपका SFM का कोर्स है जिसको अपन डिटेल में कवर करेंगे, डिटेल में समझेंगे इन चैप्टर्स में क्या है। तो अभी मैं आपको इन चैप्टर्स के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, अभी तो आपको देख के लगेगा क्या चीज़ है। जैसे जैसे हम चैप्टर्स पे जाएंगे उसके बारे में पूरे और डिटेल समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या हम सीखेंगे, क्या है ये चैप्टर, किस बारे में बात करता है। सबसे पहले अपन प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे SFM का, देन थियरी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा लेक्चर्स का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो कि अपन प्रैक्टिकल चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसको जनरली लोग फोरेक्स के नाम से जानते हैं, और अपन अभी से आगे फोरेक्स ही बोलेंगे, जिसका पूरा डिटेल नेम है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। और इस चैप्टर के लिए मेंटेलिटी स्टूडेंट्स की ऐसी रहती है कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरा कंसेप्चुअल चैप्टर है, आपको बस जैसे मैं करवाऊंगा वैसे करते चले जाइएगा, बहुत इजीली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर, ये मानिए मिनिमम 8 मार्क्स का तो एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर मैं करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं फोरेक्स। तो सबसे पहले आप समझिए इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हो, ये चैप्टर किस बारे में बात करेगा। इस चैप्टर का नेम पढ़िए, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर का क्या मतलब है? फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर यानी फॉरेन करेंसी में कुछ एक्सपोजर है मेरा। तो एग्जांपल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं, तो मैं एक इंडिया में रहने वाली एक कंपनी हूँ, इंडियन कंपनी हूँ मैं, और मैंने अमेरिका में कुछ एक्सपोर्ट किया है। मैं इंडियन कंपनी हूँ, मैंने अमेरिका में कुछ एक्सपोर्ट किया है, जिसका पेमेंट मुझे 3 मंथ्स बाद मिलेगा। सामने वाली पार्टी मुझे 3 मंथ्स बाद $1,00,000 पे करेगी। मुझे क्या मिलेंगे? $1,00,000 मिलेंगे, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया है, तो उसके बदले मुझे $1,00,000 मिलेंगे 3 मंथ्स बाद। तो अब बताओ, मैं इंडियन कंपनी हूँ, वो $1,00,000 तो मुझे दे देगा, पर डॉलर का मैं क्या करूँ? मुझे डॉलर चाहिए ही नहीं। इंडिया में डॉलर कहीं पे चलता है क्या? मुझे अगर मार्केट में जाके सब्जी भी खरीदनी है तो रुपीस देने हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदना है रुपीस देने हैं, कोई मशीनरी खरीदनी है रुपीस देने हैं, तो मेरे को तो रुपये से मतलब है, डॉलर से मतलब नहीं है। लेकिन सामने वाली पार्टी मुझे डॉलर देगी, क्योंकि मैंने उसे एक्सपोर्ट किया और वो मुझे डॉलर देगी 3 महीने बाद। तो उस डॉलर का मैं क्या करूँगा? वो डॉलर अब रुपीस में कैसे कन्वर्ट हो, उस डॉलर के बदले मैं रुपीस कैसे लेके आऊँ, वो मुझे इस चैप्टर में समझना है। वो मेरा फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर है। दूसरी चीज़, मेरे को 3 महीने बाद जो डॉलर मिलने वाले हैं, 1,00,000, 3 महीने बाद मुझे $1,00,000 मिलने वाले हैं। सपोज़ आप ये मानो कि आज के दिन डॉलर की मार्केट में रेट चल रही है, $1.80 का है। $1 कितने का है? $80 का, एग्जांपल के लिए। ऐसा मत करना कि गूगल पे जाके सर्च करो तो आज तो और कुछ रेट आप और कुछ बता रहे हो, ठीक है, ये एग्जांपल के लिए। तो आज $1.80 का, और मुझे लग रहा है कि डॉलर की रेट मार्केट में गिर जाएगी, 3 महीने बाद डॉलर की रेट गिर जाएगी, डॉलर की रेट हो सकता है 60 रुपीज़ हो जाए, 60 रुपये हो जाए, अभी 80 रुपीज़ है और 60 रुपीज़ हो जाए 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मुझे $1,00,000 मिलेंगे, और डॉलर की रेट मार्केट में अगर 60 हो गई तो मेरे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं कन्वर्ट कराऊंगा तो कम पैसा मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये मेरे नुकसान हो जाएगा। इस रिस्क, ये जो मेरे को रिस्क होने वाली है, इस रिस्क से मैं कैसे बचूं, इस रिस्क से मैं कैसे बचूं, ये भी मेरे को डिसीजन लेना है। आपका जो SFM सब्जेक्ट है ये डिसीजन मेकिंग की ही बात करता है। आपके माइंड में ये भी आ सकता है, सर फॉरेन करेंसी है तो उसको बुक्स में किस
अमाउंट पे अकाउंट फोर करें वो सीखेंगे क्या? नहीं, वो अकाउंटिंग वाला पार्ट आप इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग में सीख चुके हो, सीए फाइनल में आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सीखोगे वापस से वो चीज़। अकाउंटिंग वाला पार्ट आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखोगे, यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग देखनी है। आपने क्या समझा? एक तो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर और उसका रिस्क मैनेजमेंट। इस चैप्टर का नेम मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैंने एक ब्रीफली समझाया क्या आप इसमें सीखने वाले हो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है और उससे रिलेटेड अगर कोई रिस्क है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट इन शॉर्ट फॉरेक्स। तो ये इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि आप यहाँ क्या सीखने वाले हो एसएफएम में इस चैप्टर के अंदर। तो ये सब सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी सबसे पहले इस चैप्टर की, जो मैं आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ। वो बेसिक चीज़ें समझे बिना हम ये चैप्टर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन। फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन एक बार मैं ये नोट डाउन करता हूँ, फिर अपन इस चीज़ को समझते हैं क्या चीज़ है ये। फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन सबसे पहले ये समझिए, इसका मीनिंग देखते हैं। इट इज द रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। इट रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ वन करेंसी in relation to another currency। Next example, $1 equals to ₹80। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन क्या होती है, सबसे पहले आप समझिए तो सही कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की रेट कैसे कोट होती है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आएगी कि फॉरेन से मेरे को कोई पैसा मिलने वाला है, उसको मैं रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करूँ फॉरेन करेंसी को। या फिर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मेरे को मैंने कुछ इम्पोर्ट किया अमेरिका से, कुछ अमेरिका से इम्पोर्ट किया तो उसका पेमेंट करना है, पेमेंट डॉलर में करना है। तो मैं तो इंडियन कंपनी हूँ, मेरी तिजोरी में तो केवल रुपीज़ रखे हुए हैं, मैं अब उसको डॉलर ला के कहाँ से दूँ? मेरे जो तिजोरी है या मेरी जेब है उसमें तो मेरे पास सिर्फ रुपीज़ हैं, मेरे को अब उसको डॉलर में पेमेंट करना है, डॉलर कहाँ से ला के दूँ? तो मेरे को अपने जो रुपये हैं उनके बदले डॉलर लाना पड़ेगा, वो कहाँ से लाऊँ कैसे लाऊँ वो अपने को समझना है। तो उसके लिए आपको एक कोटेशन समझनी पड़ेगी कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है। तो एक्सचेंज रेट की जो कोटेशन होती है वो क्या बताती है, वो आपको बताती है कि एक करेंसी दूसरी करेंसी में किस रेट पे एक्सचेंज करी जाएगी, एक करेंसी दूसरी करेंसी में किस रेट पे एक्सचेंज करी जाएगी, कि जो रुपये हैं उनके बदले में डॉलर कैसे लेके आऊँ क्योंकि मुझे इंपोर्ट का पेमेंट करना है, जो रुपये हैं उनके बदले में डॉलर किस रेट पे लेके आऊँ, या फिर मेरे को एक्सपोर्ट से पैसा मिला जो डॉलर मिले उन डॉलर को रुपये में किस रेट पे कन्वर्ट करूँ, उसे मैं क्या बोलूँगा एक्सचेंज रेट कोटेशन, या फिर हम शॉर्ट में उसे एक्सचेंज रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? एक्सचेंज रेट। ऐसी रेट जिस पे एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करी जाएगी, ऐसी रेट जिस पे एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करी जाएगी। बाकी अगर अपन इसको सिंप्लीफाई मीनिंग में समझें तो ये रेट आपको बताती है एक करेंसी की प्राइस एक दूसरी करेंसी के लिए, एक करेंसी की प्राइस एक दूसरी करेंसी के लिए। एक्सचेंज रेट क्या बताती है? एक करेंसी की प्राइस एक दूसरी करेंसी के लिए, यानी किसी चीज़ की प्राइस बताती है। आप नॉर्मली से क्या समझो? किसी चीज़ की प्राइस बताती है। नाम से समझ जाओ ना एक्सचेंज रेट कोटेशन। कोटेशन अभी इस पे आप मत जाओ जो मैंने नोट डाउन किया, आप मेरी बात को समझो एक बार। एक्सचेंज रेट कोटेशन, अब अगर आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आपको जाके एक एयर कंडीशनर खरीदना है, आपने शॉपकीपर को बोला कि भैया LG का ये एयर कंडीशनर मुझे चाहिए, इसकी आप कोटेशन बता दो। मैंने बताया कि भाई 5 स्टार रेटिंग वाला मैंने फ़ीचर बता दिए, 1 टन का AC, जो भी मेरे फीचर्स मुझे चाहिए थे।
तो मैंने उसे क्या बोला, कोटेशन दे दो इसकी, या फिर क्या बोलते हो आप, प्राइस बता दो। कुछ लोग बोलते हैं कोटेशन, कुछ बोलते हैं प्राइस, इसकी कोटेशन दे दीजिए या इसकी प्राइस दे दीजिए। तो वो आपको क्या बोलेगा, वन एसी एक एयर कंडीशनर एलजी का 30,000 रुपीज़ का है, वो क्या बोलेगा 30,000 रुपीज़ का है, क्या है एक एसी। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल, मैं मार्केट में पेन खरीदने गया, मैं एक पेन परचेस करने गया, मैंने बोला भैया पेन की प्राइस क्या है, भैया पेन की प्राइस क्या है, अच्छा खासा मैंने पेन खरीदा तो उस पेन की प्राइस क्या है, उसने बोला 50 रुपीज़ का है ये वाली कंपनी का पेन, 50 रुपीज़ का है वन पेन, उसने बोला वन पेन इज इक्वल टू रुपीज़ 50, तो उसने पेन की कोटेशन दी मुझे। ऐसे ही एक्सचेंज रेट भी आपको कोटेशन देती है। एक्सचेंज रेट किसकी कोटेशन देती है, ये आपको देती है फॉरेन करेंसी की, एक करेंसी की कोटेशन देती है। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल के लिए लिखा $1 = ₹80, $1 = ₹80, यानी ये किसकी कोटेशन है, ये किसकी कोटेशन है, डॉलर की प्राइस है, डॉलर 80 रुपये का है, यानी अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो 80 रुपये में मैं खरीद सकता हूँ, यानी सामने वाले को 80 रुपये दे के मैं एक डॉलर ले सकता हूँ, सामने वाले को 80 रुपये दे के एक डॉलर ले सकता हूँ। और या फिर मुझे अगर डॉलर बेचना है, डॉलर बेचना है तो मैं डॉलर बेचूंगा तो उसके बदले मुझे कितने मिलेंगे, 80 रुपये मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मैं पेन खरीदने गया, पेन की कोटेशन पूछी 50 रुपये, तो मैं 50 रुपये दूंगा एक पेन ले लूँगा, और अगर पेन बेचना होगा तो मैं उसको पेन दे दूंगा वापस और 50 रुपये अपने वापस ले लूँगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो कोटेशन है वो इस तरीके से गिवन होती है, $1 = ₹80। तो इसके अंदर देखो अब आपको जो चीज़ समझने की है वो ये है, ये जो $1 है, ये बताओ ये जो है ये क्या है, बेस करेंसी, ये है बेस करेंसी, इसे हम बोलते हैं बेस करेंसी। वो जो ये यहाँ पे ₹80 लिखा हुआ है, ये जो ₹80 लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं प्राइस करेंसी और अदर करेंसी। जो $1 है ये तो है बेस करेंसी, यानी डॉलर तो जो है हमारी यहाँ पे बेस करेंसी है इस एग्जांपल में, और जो रुपीज़ है वो हमारी प्राइस करेंसी है, अदर करेंसी। बेस करेंसी यानी वो करेंसी जिसके लिए क्या दे रखी है, कोटेशन। यहाँ पे कोटेशन किसकी मिली है, डॉलर की। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ₹1 = $0.0125, तो वो कोटेशन किसकी होती, रुपीज़ की। यानी आप मार्केट में कहीं पे भी जाते हो, जनरल चीज़ समझो आप इसको, कि मैं अगर जिस भी चीज़ की कोटेशन पूछता हूँ तो उसकी एक क्वांटिटी की प्राइस बताई जाती है। मैंने बोला एसी की कोटेशन दे दीजिए इस पर्टिकुलर एसी की, तो उसने बोला 30,000 रुपीज़, तो उसने एक एसी की प्राइस बताई कि वन एसी इक्वल्स टू 30,000 रुपीज़। या फिर मैंने पेन पूछा तो उसने बोला वन पेन इक्वल्स टू 50 रुपीज़। तो ये जो है ये चीज़ से मेरा आइटम जिसके लिए मेरे को प्राइस बताई जा रही है, और ये चीज़ क्या है, मनी, कि इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। कुछ लोगों को लास्ट तक जाके इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है और जिसकी वजह से आगे क्वेश्चंस गलत होते हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत जोर देके आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वन जिसके आगे लगा हुआ है ये क्या, आइटम जिसकी प्राइस बताई जा रही है और सामने होती है उसकी प्राइस। यानी आपको प्राइस अपने एग्जांपल में डॉलर की दे रखी है और सामने है उसकी प्राइस कि वो कितने प्राइस का है, इसलिए सामने वाली करेंसी जो है उसको हम बोलते हैं प्राइस करेंसी या फिर अदर करेंसी, और जो डॉलर है इस एग्जांपल में वो है हमारी बेस करेंसी। चलिए अब आगे चलते हैं और समझेंगे इसको डिटेल में, लेकिन एक बार अपन इसमें आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए बेस करेंसी को हम समझते हैं। बेस करेंसी क्या होती है, बेस करेंसी का मतलब है इट मींस करेंसी फॉर विच प्राइस या कोटेशन इज गिवन, इट इज द फर्स्ट करेंसी appearing in foreign exchange rate quotation। देखिए बेस करेंसी क्या है, वो करेंसी जिसके लिए प्राइस या कोटेशन दे रखी है, ठीक है, जो अभी अपन ने समझा, और ये फर्स्ट करेंसी है। दूसरा मीनिंग अगर नॉर्मल मीनिंग समझें तो वो करेंसी जिसके आगे जो फर्स्ट करेंसी है, जो पूरी कोटेशन में पहली करेंसी कौन सी आ रही है, डॉलर, उसके बाद आ रहे हैं रुपीज़, ठीक है। तो इट इज़ द फर्स्ट करेंसी अपीयरिंग इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन। कोटेशन कैसे लिखी जाती है, $1 = ₹80, ये हमारी कोटेशन होती है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से कोटेशन लिख के ही हम सॉल्व करेंगे।
चलिए अब इसमें जो मैंने आपको समझाया उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो अपन ने एग्जांपल लिया था उसी के बेसिस पे। इन दी अबो एग्जांपल, इन दी अबो एग्जांपल इंटरप्रिटेशन विल बी डन एज फॉलोज। If a person want to purchase $1, he has to pay 80 rupees, or if a person wants to sell $1, he will get 80 rupees। अब इसमें लिखो next point, in simple words, in simple words we can understand it as follows। एक बार मैं नोट कर देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वी गो टू मार्केट, एंड आस्क फॉर प्राइस या कोटेशन ऑफ ए पेन, दैट इज वन पेन equals to rupees 50। It means 50 rupee is price for one pen। Here pen is the item for which price is quoted। Similarly, in above example, $1 equals to rupees 80, dollar is the item for which 80 rupees price is quoted। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो बेस करेंसी, प्राइस करेंसी, ये आपको समझ में आ गया होगा। बेस करेंसी कौन सी करेंसी है जिसके लिए कोटेशन दे रखी है, वो बेस करेंसी। सामने वाली करेंसी होती है हमारी प्राइस करेंसी। अब हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन क्या निकला, अगर किसी इंसान को डॉलर परचेस करना है, एक डॉलर परचेस करना है तो उसको 80 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर किसी इंसान को $1 बेचना है तो उसको 80 रुपये मिल जाएंगे। तो डॉलर परचेस किसको करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ने अगर इम्पोर्ट किया कोई सामान, मैंने इम्पोर्ट किया अमेरिका से, उसका पेमेंट करना है तो मुझे डॉलर परचेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर किसी इंसान ने एक्सपोर्ट किया कोई सामान, अगर मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले मुझे डॉलर मिलेंगे, डॉलर मेरे काम के नहीं है क्योंकि मैं इंडिया की कंपनी हूँ, तो मेरे को डॉलर बेचने हैं, तो मैं डॉलर बेचूंगा तो कितने रुपये में बिकेगा, 80 रुपये में वो मुझे मिलेगा। ठीक है, ये आपका इंटरप्रिटेशन निकला कि $1 80 रुपये, यानी $1 अगर खरीदना है तो 80 रुपये की प्राइस, और $1 बेचना है तो 80 रुपये आपको मिल जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि हम मार्केट में गए और हमने एक पेन की प्राइस पूछी, जो कि सामने वाले दुकानदार ने बताई एक पेन 50 रुपये का है। एक पेन 50 रुपये का, यानी 50 रुपये एक पेन की प्राइस है, यानी पेन तो आइटम है और जिसकी हमें प्राइस दे रखी है। तो ऐसे ही अपने एग्जांपल में डॉलर आइटम है जिसकी आपको प्राइस दे रखी है 80 रुपये। डॉलर एग्जांपल, यानी जिसके आगे भी वन लगाओ, जिसके आगे भी वन लिखा हुआ है, जिसके आगे भी वन लिखा हुआ है वो आपका आइटम है, उसकी प्राइस दे रखी है। बस ये माइंड में आप फिट कर लो, उसकी आपको प्राइस दे रखी है। सामने वाली जो प्राइस है वो किसकी दे रखी है, जिसके आगे वन लगाओ वो हमारा आइटम है, कमोडिटी है जिसको हम
डील करना जा रहे हैं वो हमारा आइटम है, और जिसके आगे वन लगा हुआ है वो हमारा आइटम है, तो उस करेंसी को हम क्या बोलते हैं, बेस करेंसी, और सामने वाली हमारी क्या हो जाती है, प्राइस करेंसी, क्योंकि वो प्राइस है उस आइटम की, वो प्राइस है उस आइटम की। तो ये हो गया आपका बेसिक की एक्सचेंज रेट कोटेशन क्या होती है, उसका मीनिंग मैंने आपको समझाया, तो इसे अपन अब जनरली एक्सचेंज रेट ही बोलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अभी एक्सचेंज रेट कोटेशन के अंदर अपने को मीनिंग में एक चीज़ और समझनी है, नेक्स्ट पॉइंट डालिए मीनिंग में, मीनिंग में नेक्स्ट पॉइंट में आप समझिए, इफ एक्सचेंज रेट इज कोटेड इन अ वे विच रिफ्लेक्ट्स नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, देन द कोटेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कोट। एग्जाम्पल, फॉर इंडिया $1 इक्वल्स टू रुपीज 80, 1 pound इक्वल्स टू रुपीज 90, 1 yen इक्वल्स टू रुपीज 0.60, और फॉर अमेरिका ₹1 इक्वल्स टू $0.0125, $1 इक्वल्स टू $1.2, $1 yen इक्वल्स टू $140। देखिए ये क्या चीज़ है, एक्सचेंज रेट की कोटेशन अभी हमने समझी कि एक्सचेंज रेट क्या होती है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है वो सब अपन ने समझे। अब एक्सचेंज रेट, ये जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ ये थियरी के लिए काम का है, एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीटली इररिलेवेंट है। एक्सचेंज रेट कभी ऐसे कोट करी जाए, कैसे कोट करी जाए, वो आपको बताए एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के बदले आपकी होम करेंसी कितनी है, एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के बदले आपकी होम करेंसी कितनी, यानी नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उस कोटेशन को हम बोलेंगे डायरेक्ट कोटेशन, उस कोटेशन को हम बोलेंगे डायरेक्ट कोटेशन। एक्सचेंज रेट कोटेशन ये सिर्फ थ्योरी के लिए, एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ कंप्लीटली रेलिवेंट है, आपको आगे फिर इसको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी के लिए समझ लो, स्टडी मेट में दे रखा है। तो आपकी एक फॉरेन करेंसी के बदले नंबर ऑफ होम करेंसी जो कोटेशन दे रखी हो उस कोटेशन को हम बोलेंगे डायरेक्ट कोटेशन। सर कैसे, इंडिया में आप रहते हो तो इंडिया के लिए क्या डायरेक्ट कोटेशन होगी, इंडिया के लिए वो डायरेक्ट कोटेशन होगी जो बताए नंबर ऑफ रुपीस अगेंस्ट वन फॉरेन करेंसी, यानी $1 इक्वल टू रुपीज 80, तो $1 यानी वन फॉरेन करेंसी इक्वल टू कितने रुपीस, 80 रुपीज। तो ये क्या बता रही है, नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इस एक्सचेंज रेट कोटेशन का अपन नाम क्या देंगे, डायरेक्ट कोटेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कोट। और सिंपल सी बात है, इंडिया में अभी आप देखो ये तो हो गया प्रैक्टिकली, मतलब थियोरिटिकली क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे ही मैं अगर बोलूं £1 इक्वल टू रुपीज 90, येन इक्वल टू रुपीज 0.60, तो ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई आपकी डायरेक्ट कोटेशन। ये क्या बता रही है, वन फॉरेन करेंसी अगेंस्ट नंबर ऑफ होम करेंसी। और प्रैक्टिकली अगर हम इसे समझें तो इंडिया का कोई पर्सन है, इंडिया की कोई कंपनी है, आप इंडिया में कुछ परचेस करने जाओगे तो आप सामने वाले से बोलोगे भैया कोटेशन बताना, इस चीज़ की प्राइस बताना, मैंने बोला पेन की प्राइस बताओ, तो वो आपको क्या बताएगा, एक पेन ₹50 का, आपने बोला एसी की प्राइस बताओ, वो बोलेगा एक एसी ₹30,000 की। तो इंडिया में आप कुछ भी परचेज या सेल करने जाओगे वो रुपीज़ के टर्म्स में होगा, वो आप लोगों को रुपीज़ की प्राइस बताएंगे, रुपीज़ की प्राइस बताएंगे, रुपीज़ में कितनी प्राइस है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी फॉरेन करेंसी इंडिया वाले रुपीज़ की प्राइस पूछने थोड़ा जाएंगे मार्केट में, इंडिया वाले को जरूरत पड़ेगी तो क्या पड़ेगी, फॉरेन करेंसी को खरीदने या बेचने की। इंडिया वाले इंसान को जरूरत किस चीज़ की पड़ेगी, डॉलर में पेमेंट करना है तो डॉलर खरीदने की, डॉलर से कुछ पेमेंट मिला है तो डॉलर को बेचने की। तो दो ही जरूरत पड़ सकती है फॉरेन करेंसी को बेचने या खरीदने की। इंडिया वाले को कभी रुपीस खरीदने बेचने की जरूरत पड़ेगी, या मेरे को रुपीस चाहिए रुपीस दे दो,
रुपीज़ सेल करने हैं, तो रुपीज़ की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इंडिया में चलता ही रुपीज़ है, रुपीज़ होता है उनके पास, उनको कन्वर्ट क्या करना होता है डॉलर, तो वो प्राइस किसकी पूछेंगे, फॉरेन करेंसी की। तो इंडिया वालों के लिए डायरेक्ट कोटेशन क्या होगी, डायरेक्ट वो उसी को बोलेंगे ना जो फॉरेन करेंसी की प्राइस बताए, ठीक है। तो यानी वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट नंबर ऑफ होम करेंसी, ये होती है हमारी डायरेक्ट कोटेशन। अमेरिका वाले के लिए क्या होगी, अमेरिका वाले के लिए होम करेंसी क्या है डॉलर, तो प्राइस करेंसी तो क्या होगी डॉलर, और बेस करेंसी क्या होगी कोई भी फॉरेन करेंसी अमेरिका वालों के लिए। तो अमेरिका के लिए देखो क्या मैंने लिखी डायरेक्ट कोटेशन, वन रुपीज इक्वल टू 0.0125 डॉलर, ये बता रहा है नंबर ऑफ होम करेंसी, उनके लिए क्या है डॉलर और उनके लिए फॉरेन करेंसी क्या है रुपीज। ऐसे ही वन पाउंड इक्वल टू 1.2 डॉलर, वन येन इक्वल टू 140 डॉलर, इनके सिंबल क्या होते हैं रुपीज पाउंड डॉलर, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बाकी ये जहाँ जहाँ अपने काम में आएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। मैं स्टार्टिंग में आपको अगर सिंबल्स लिखवाने बैठ गया किसका ये सिंबल होता है तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए अपन बाद में देखेंगे इन चीजों को। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ही चल रही है अभी अपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मीनिंग के अंदर, इफ एक्सचेंज रेट इज कोटेड इन अ वे विच reflects number of foreign currency for one unit of home currency, then the quotation is called as इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट में क्या हो गया, उल्टा हो गया। एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं इसको भी। फॉर इंडिया वन रुपीज इक्वल टू 0.0125 डॉलर, वन रुपीज इक्वल टू 0.111 पाउंड, वन रुपीज इक्वल टू 0.60 येन, फॉर अमेरिका वन डॉलर इक्वल टू रुपीज 80, वन डॉलर इक्वल टू 0.8333 पाउंड, वन डॉलर इक्वल टू 0.0071 येन। इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होती है, डायरेक्ट कोटेशन आपको समझ में आई, बस उसका उल्टा इनडायरेक्ट कोटेशन। ये क्या बोलती है कि नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी अगेंस्ट वन यूनिट ऑफ होम करेंसी, यानी अब की बार आपकी बेस करेंसी अगर होम करेंसी है, होम करेंसी जो आपकी है वो तो बेस करेंसी है और फॉरेन करेंसी वो आपकी प्राइस करेंसी है, ठीक है। यानी सामने जो आपको नंबर दे रखे हैं वो तो फॉरेन करेंसी के हैं और जिसकी प्राइस बता रखी है, जो कोटेशन दे रखी है वो होम करेंसी में दे रखी है, तो वो इनडायरेक्ट कोट। इंडिया के लिए बताओ होम करेंसी क्या है रुपीज़, तो रुपीज़ में जो भी कोटेशन होंगी, रुपीज़ की जो भी कोटेशन होंगी इंडिया के लिए वो क्या है, इनडायरेक्ट कोट। आप इस कोटेशन को अगर नाम देना चाहो थियोरिटिकली तो आप इसे बोलोगे इनडायरेक्ट कोट, जो आपके सामने लिखी हुई है वन रुपीज़ इक्वल टू 0.0125 डॉलर, तो इंडिया वाले इसे बोलेंगे ये इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट कोटेशन है, इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट कोटेशन। यानी ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी काम में नहीं आने वाली, लेकिन थियोरिटिकली आपको मालूम होना चाहिए क्या चीज़ है। ऐसे ही वन रुपीज इक्वल टू 0.111 पाउंड, ये आपके लिए इनडायरेक्ट कोटेशन, वन रुपीज इक्वल टू 0.60 येन, इनडायरेक्ट कोटेशन इंडिया के लिए। ऐसे ही अमेरिका वालों के लिए इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होगी, उनकी होम करेंसी क्या है डॉलर, तो यानी डॉलर में कोटेशन दे रखी होगी, तो वन डॉलर इक्वल टू रुपीज 80, वन डॉलर इक्वल टू 0.8333 पाउंड, वन डॉलर इक्वल टू 0.0071 येन, ये अमेरिका के लिए इनडायरेक्ट कोटेशन है। इनडायरेक्ट कोटेशन देखो आप निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट कोटेशन का रेसिप्रोकल कर दो, मैंने बोला नाम में ही उल्टी है, ऐसे ही आपको समझ में आ जाए ये रिवर्स है, उल्टा है उसका। डायरेक्ट कोटेशन में जो है उसका उल्टा है इनडायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट के आगे इन ही तो लगाया है तो इनडायरेक्ट उसका उल्टा है, जो डायरेक्ट है उसका उल्टा। डायरेक्ट में इंडिया वालों के लिए डायरेक्ट क्या थी, फॉरेन करेंसी वन यूनिट और नंबर ऑफ होम करेंसी, और यहाँ पे क्या है इनडायरेक्ट कोटेशन में इंडिया वालों के लिए नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी अगेंस्ट वन यूनिट ऑफ होम करेंसी, तो उसका उल्टा है, तो निकालना भी उल्टे तरीके से जा सकता है, इसको कैसे निकाला जा सकता है वो समझो। इंडिया की डायरेक्ट कोटेशन क्या थी, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वन डॉलर इक्वल टू रुपीज, ये इंडिया की डायरेक्ट कोटेशन थी। अब मुझे इनडायरेक्ट कोटेशन चाहिए, यानी रुपीज़ के आगे वन लगाना है, रुपीज़ के आगे वन लगाना है। आपको जरूरत भी पड़ सकती है ऐसे कभी किसी क्वेश्चन में, मान लो आपको वन रुपीज़ की प्राइस चाहिए तो वो कैसे निकालोगे, तो वो ऐसे निकाल सकते हो,
रुपीज़ के आगे वन लगाना है। तो देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स के आपको थोड़े से रूल समझने पड़ेंगे। तो पहले मैथमेटिक्स का मैं थोड़ा सा आपको बेसिक रूल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 10 मल्टीप्लाई बाय 75 इक्वल्स टू 86, सपोज 750, 10 मल्टीप्लाई बाय 75 इक्वल्स टू 750, ये आपकी मैथमेटिक्स की इक्वेशन दे रखी है। अभी मेरे को अगर यहाँ पे 75 को यहाँ ट्रांसफ़र करना हो, इस 75 को यहाँ ट्रांसफ़र करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 10 इक्वल टू 750, 75 इधर किस में था, मल्टीप्लाई वाली साइड में था, तो कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में अगर उसे ट्रांसफ़र करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यानी मल्टीप्लाई वाली चीज़ को दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करते हो तो वो डिवाइड में चली जाती है, और डिवाइड वाली चीज़ को दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करते हो तो मल्टीप्लाई में चली जाती है। मैथमेटिक्स के बिल्कुल बेसिक रूल हैं ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को इनमें भी दिक्कत होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं हम। अब आपकी इक्वेशन देख लो, अभी भी मैच हो रही है इक्वेशन, पहले भी मैच हो रही थी, अभी भी मैच हो रही है, ऐसे आपका होता है। और अगर ये डिवाइड वाला मान लो आपको ये दे रखा होता और ये 75 जो डिवाइड में है इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना होता, तो यहाँ डिवाइड में है जो चीज़ डिवाइड में है वो सामने वाली साइड में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वापस वही 75 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 750। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ऐसे इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं अपन। मान लो आपको दे रखा है 8x इक्वल टू 89, 8x इक्वल टू 89, ये एक वेरिएबल है। अब मान लो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो 8 को उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, 8 को उधर ट्रांसफ़र करना है तो 8 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सामने ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। बिल्कुल ऐसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व होती हैं। अब बस इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करना है अपनी एक्सचेंज रेट कोटेशन में। अब अगर मुझे रुपये की रेट चाहिए, अगर मुझे रुपये की रेट चाहिए, यहाँ पे कोटेशन किसकी है, डॉलर की, अगर मुझे रुपये की कोटेशन में कन्वर्ट करना है इसको, तो रुपये के आगे 80 है, तो हमें क्या करना है, इस 80 को अगर सामने वाली साइड में ट्रांसफ़र कर दें तो क्या बचेगा, वन। अगर मैं यहाँ पे ओनली x लिखता हूँ, x इक्वल टू 89/8 ये लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या था, इस x को हम क्या मानते थे, 1x, इस x को हम क्या मानते थे, 1x। मैथमेटिक्स में ये होता था, जब किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो वो 1 में होता है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, 1 में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज़ के साथ क्या है, 80 है, रुपीज़ के साथ 80 है, तो इस 80 को अगर मैं ट्रांसफ़र कर दूँ सामने वाली साइड में तो 1 रुपी बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रुपी 1। 80 को सामने वाली साइड में ट्रांसफ़र किया तो $1, 80 क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब बीच में कोई साइन ही नहीं है तो वो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ को सामने ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये आपकी कोटेशन बन गई। अब आप लिख सकते हो ₹1 = $1/$80, और इसको सॉल्व करना जरा क्या आ रहा है आपका आंसर, 1/80 यार 0.0125, मैंने वही रेट लिखी है ऊपर भी, तो ₹1 में कितने डॉलर हुए, 0.0125, तो ये हो गई आपकी रुपये की कोटेशन। यानी अगर मुझे डायरेक्ट कोटेशन से इनडायरेक्ट कोटेशन निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, और अगर इनडायरेक्ट कोटेशन आपको दे रखी है उसे डायरेक्ट कोटेशन निकालनी है, निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। ऐसे ही मैं आपको पाउंड वाले एग्जांपल से समझा देता हूँ, इंडिया वाला। इंडिया में पाउंड की बताओ रेट क्या थी, 1 pound = ₹90। अब मुझे रुपये की रेट निकालनी है तो 1 rupee 90 को सामने वाली साइड में ट्रांसफ़र करूँगा, डिवाइड में चला जाएगा, इसको सॉल्व करो यह आएगा 0.0111 पाउंड, तो आपकी रेट आ गई 1 rupee = 0.0111 पाउंड। यही मैंने यहाँ पे नोट किया है, 0.0111 पाउंड। ठीक है, ये हो गई आपकी कोटेशन। तो एक्सचेंज रेट कोटेशन को अपन दो नाम दे सकते हैं, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, क्यों दे सकते हैं वो सब आपको एक्सप्लेन कर दिया, और डायरेक्ट कोट दे रखा है उसे इनडायरेक्ट कोट निकालने की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप निकाल सकते हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट के ऊपर, तो आपको कभी इक्वेशन से दूसरी करेंसी की कोटेशन निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, वो आपके काम में आ सकता है कभी। अब चलिए इसमें आप एक नोट लिख लीजिए इसी पॉइंट में, नोट, डायरेक्ट कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ इनडायरेक्ट कोट और वाइस वर्सा। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे नोट में भी इसे नोट डाउन करवा दिया। चलिए ये हो गई आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन क्या होती है, उसकी मीनिंग अपन ने समझ ली है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन में अपन सेकंड टॉपिक देखते हैं, ये फोरेक्स के बेसिक्स हैं जो आपके अभी चलेंगे कुछ टाइम तक, फिर अपन
जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर आएंगे, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये मानिए अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक्स ही समझते जाना है, इनकी एप्लीकेशन जब क्वेश्चन पे आएगी तो बहुत इजीली ये चीज़ें आपके माइंड में फिट हो चुकी होंगी और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है या नई चीज़ें हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू है, लेकिन जब आप इनके अप्लाई करोगे क्वेश्चन के ऊपर तो बहुत ईजीली ये अप्लाई हो जाएंगे। अब आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन जो टॉपिक चल रहा है, इसमें मैं सेकंड पॉइंट नोट कर रहा हूँ जो कि आपके काम में आएगा, कन्वर्जन ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी। कन्वर्जन ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी। देखिए ये क्या चीज़ है, ये कन्वर्जन ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी, ये क्या सीखने वाले हो? अभी हमने कोटेशन को देख लिया, कोटेशन क्या होती है, कोटेशन क्या बताती है, ये हमें समझ में आ गया कि एक्सचेंज रेट क्या होती है और वो हमें क्या बताती है, उस एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है। अब आपको उसकी ज़रूरत क्यों थी? ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मेरे को हो सकता है कि डॉलर में पेमेंट मिलेगा और उस डॉलर में जो पैसा मिलेगा उसको मेरे को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत हो, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उस डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना। या फिर हो सकता है कि मेरे को डॉलर में पेमेंट करना था, इंपोर्ट मैंने कुछ किया था उसका डॉलर में पेमेंट करना था, उसका डॉलर में पेमेंट करना था तो मेरे को डॉलर चाहिए थे, तो मेरे को रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाना हो, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट, क्योंकि रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करूँगा तभी तो पेमेंट करवा पाऊँगा। तो अपने को ज़रूरत पड़ेगी कन्वर्जन ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी। एक अमाउंट आपको मान लो डॉलर में दिया हुआ है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और रुपीज़ में अमाउंट दे रखा है इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, वो किसी भी करेंसी में हो सकता है पर अमाउंट कन्वर्जन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँ। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये, मैथमेटिक्स की चीज़ें जो ऑलरेडी आप जानते हो, लेकिन ये मैं नोट्स के थ्रू इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं, जब हम फोरेक्स चैप्टर करने बैठते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको परेशान करती हैं क्वेश्चन में, इसलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ही ना आए एग्ज़ाम में। चलिए इसको एग्जांपल से समझेंगे हम, बिना एग्जांपल के ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। एग्जांपल से समझो इसको, एग्जांपल आपको दे रखा है वन पेन इक्वल्स टू रुपीस 50। आपको प्राइस क्या बता रखी है, इसे हम प्राइस ही बोलेंगे कोटेशन, आपको कोटेशन या प्राइस क्या दे रखी है, वन पेन इक्वल टू रुपीज़ 50। अब मुझे क्या करना है, आपको बोला हुआ है कन्वर्ट करो 100 पेन इन रुपीज़, 100 पेन को रुपीज़ में कन्वर्ट करो। मैंने बोला एक पेन 50 रुपये का है, 100 पेन को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करो, यानी आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे क्या पूछा हुआ है, दैट इज़ प्राइस ऑफ 100 पेन। सिंपल सी बात है भाई, 100 पेन को रुपीज़ में कन्वर्ट करो, इसका क्या मतलब है कि 100 पेन की क्या प्राइस है, एक पेन 50 रुपये का है तो 100 पेन को रुपी में कन्वर्ट करके बताओ रुपी में क्या वैल्यू होगी 100 पेन की, यानी 100 पेन की आपसे प्राइस पूछी हुई है, प्राइस 100 पेन की आपको निकालनी होगी तो क्या निकालोगे। ऐसे अगर आपको बेसिक में पूछता है एक पेन मार्केट में 50 रुपये का मिल रहा है, बताओ 100 पेन कितने के मिलेंगे, आप सिंपल सा क्या बोलते, 5000 रुपये के, 50 × 100, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे वन पेन था तो इसकी जगह मैं लिखूँ 100 पेन 100 पेन, तो मैंने क्या किया, वन पेन मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो सामने भी मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, मैथमेटिक्स में ये तो करते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड साइड में वन पेन था तो इस वन पेन के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 100, तो राइट हैंड साइड में रुपीज़ 50 है, उधर भी क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 मल्टीप्लाई कर दूँ, बिल्कुल, तो आपकी 100 पेन की प्राइस आ जाएगी जो कि कितनी आएगी आपकी, रुपीज़ 5000। मतलब ये वो चीज़ होगी जो बेसिक है मैथमेटिक्स का, लेकिन मैं इक्वेशन के फॉर्म में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अभी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ये चीज़ कैलकुलेट करने में दिक्कत ना आए, वहाँ आपको समझ में आए, क्योंकि वहाँ हमारे कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि दोनों चीज़ें तो करेंसी है, मतलब पाउंड और डॉलर में दे देगा आपको तो दोनों ही करेंसी है, फिर बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि सर आप कन्वर्ट कैसे करें। यहाँ तो क्या हमें साफ साफ पता चल रहा है कमोडिटी क्या है और प्राइस क्या है, इसलिए मैंने उस चीज़ पर इतना फोकस किया इतनी देर से कि प्राइस क्या है और कमोडिटी क्या है, आइटम क्या है जिसकी बात हो रही है, ठीक है। अब आपको अगर ये पूछ लिया जाता, एक तो ये हो गया इसके अंदर, दूसरी चीज़ आपसे पूछ ली जाती कन्वर्ट 250 रुपीज़ इन पेन, इसका क्या मतलब है, 250 रुपये को पेन में कन्वर्ट कर दो, वन पेन इक्वल टू रुपीज़ 50 आपको बता रखा है, 250 रुपये को पेन में कन्वर्ट कर दो, यानी आपसे क्या पूछा गया है कि 250 रुपये में आपको कितने पेन मिलेंगे, 250 रुपीज़ में आपको कितने पेन मिलेंगे, यही पूछा गया है, यानी आपसे पूछा गया है दैट इज
दैट इज नंबर ऑफ पेन इन 250 रुपीज़, दैट इज नंबर ऑफ पेन इन 250 रुपीज़, कि 250 रुपये में आपको कितने पेन मिलेंगे ये बताओ। तो आप सिंपल सा बोलोगे सर एक पेन 50 रुपये का है तो 250 रुपये में कितने मिलेंगे, 250 रुपीज़ में कितने मिलेंगे, 5 पेन मिलेंगे, 5 पेन। एक पेन 50 रुपीज़ का तो 250 में कितने मिलेंगे, 5 पेन। अगर मैं सामने वाले दुकानदार को बोलूँ लो भाई 250 रुपये ले ले, कितने पेन देगा वो, मुझे 5 पेन दे देगा क्योंकि एक पेन की प्राइस 50 रुपये है। तो आपने डायरेक्टली आंसर दे दिया, पर अब हम इसे इक्वेशन के रूप में समझ लेते हैं कि इक्वेशन से कैसे आएगा। तो आपने क्या किया, 250 रुपीज़ को डिवाइड किया 50 रुपीज़ की प्राइस से, 250 रुपीज़ टोटल थे, आपने एक पेन की प्राइस से डिवाइड किया तो टोटल आपके पास क्या आ गए, 5 पेन। ऐसे ही आपने निकाला, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको निकाला है। तो अब आपको पेन के एग्जांपल से अगर समझ में आ गया तो करेंसी के एग्जांपल से भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए अब मैं करेंसी का एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। सिमिलरली ये हमारा एग्जांपल था, अब इसमें मैं सिमिलरली करके आपको समझा रहा हूँ। आपको दिया हुआ है $1 इक्वल्स टू ₹80। अब आपको सोचना है कि क्या होगा, वो मैं आपको एग्जाम्पल देता जाता हूँ और आप खुद भी एक बार सोचिएगा, यहाँ पर मैं सोल्यूशन तो आपके साथ करूँगा ही। $1 इक्वल्स टू ₹80 है और आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है $100 इन रुपीज़, कन्वर्ट करना है $100 इन रुपीज़। बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, $100 इन रुपीज़ को कैसे कन्वर्ट करोगे, $1 की प्राइस दे रखी है, $1 की प्राइस दे रखी है ₹80, तो $100 की प्राइस कितनी होगी, यहाँ पे कमोडिटी यानी हमारा आइटम क्या है, डॉलर, 100 मल्टीप्लाई बाई ₹80, तो टोटल कितने हो गए, ₹8,000। टोटल कितना हो गया, 8000 आपका अमाउंट हो गया टोटल जो आपको पे करना पड़ेगा। टोटल आपने क्या किया, डॉलर को, $100 को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, $100 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज़ में। अब अगर आपसे बोला जाए कन्वर्ट करो 1600 रुपीज़ इन डॉलर, अगर मैं बोलूँ 1600 रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करो, $1 ₹80 में मिल रहा है, $1 की प्राइस क्या है, ₹80, यानी 1600 रुपये, 1600 रुपीज़ में कितने डॉलर मिलेंगे, 1600 रुपीज़ में कितने डॉलर मिलेंगे ये बताओ, कैसे निकालोगे, 1600 रुपीज़ डिवाइडेड बाई ₹80 पर डॉलर इक्वल्स टू आपको कितने मिलेंगे, $20। यानी मैंने 1600 रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट कराया तो कितने डॉलर मिल गए, $20 मैंने कन्वर्ट करा लिया। इस तरीके से कन्वर्ट करा जाता है, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाया। देखो ऊपर वाले एग्जांपल से बताता हूँ, पहले वाले एग्जांपल में अपना पेन क्या था, आइटम जिसकी प्राइस थी ₹50। जब मेरे को पेन को रुपीज़ में कन्वर्ट करना था तो मैंने उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया था क्वांटिटी से, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया था क्वांटिटी से। इस बार देखो अपना आइटम क्या है, डॉलर, प्राइस है ₹80। तो अब डॉलर को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो डॉलर के आइटम, तो आइटम जो डॉलर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 100, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम उसकी प्राइस से, 80 × 100, 8000। सेम वही किया जो अपन ने उस केस में किया था, पर अगर मैं डायरेक्टली ये करता ना आपको तो आपको शायद कन्फ्यूजन होता कि यार ये कैसे कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एक जनरल लाइफ का एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आए। पहले वाले एग्जांपल में मैंने बोला 250 रुपीज़ में कितने पेन मिलेंगे, तो 250 रुपीज़ आपकी प्राइस और एक पेन की प्राइस कितनी थी, 50 रुपीज़, उससे आपने डिवाइड कर दिया तो 5 पेन आ गए। अब ये वाले एग्जांपल में क्या था, डॉलर आइटम था, इसकी प्राइस कितनी थी, 80 रुपीज़। अब मैंने बोला 1600 रुपीज़ में डॉलर बताओ, तो 1600 रुपीज़ डिवाइड बाई $1 की रुपीज़ कितने थे, 80, उससे डिवाइड किया तो आ गए आपके $20। तो ये हो गई आपकी कन्वर्जन, एक अमाउंट से दूसरे करेंसी के अमाउंट में कन्वर्ट इस तरीके से किया जाता है। तो सर एग्ज़ाम में ऐसा सोचना पड़ेगा क्या, एग्ज़ाम में सोचना चाहो सोच सकते हो, बाकी मैं आपको क्रैक्स लिखवा देता हूँ, शॉर्टकट लिखवा देता हूँ, एग्ज़ाम में आपको वो शॉर्टकट अप्लाई कर देना है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए था, क्रैक्स क्या है अब इस टॉपिक का वो लिख लो, जो अपना टॉपिक नंबर 2 चल रहा है इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन में, इसका क्रैक्स लिख लो, इसका क्रैक्स क्या है, इस पॉइंट का क्रैक्स ये है कि अगर इफ बेस करेंसी इन एक्सचेंज रेट एंड द करेंसी इन विच अमाउंट इज गिवन इज सेम डिफरेंट, सेम है तो आप करोगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट
और डिफरेंट है तो आप करोगे अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट। अभी इस क्रक्स को मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ, क्या क्रक्स है और इसको वेरीफाई भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ। देखो क्रक्स ये है सिंपल सा, बेस करेंसी एक्सचेंज रेट में जो बेस करेंसी कौन सी होती है वापस से बता दो, जिसके आगे वन लगा होता है वो बेस करेंसी होती है, सिंपल सा बस इतना याद रखो, यानी जिसकी प्राइस दे रखी हो। तो बेस करेंसी जो एक्सचेंज रेट में दे रखी है वो, और करेंसी इन विच अमाउंट इज गिवन, जिस करेंसी का अमाउंट दे रखा है, जो टोटल अमाउंट जिसको आपको कन्वर्ट करना है, जिस अमाउंट को आपको कन्वर्ट करना है वो कौन सी करेंसी में, बेस करेंसी एक्सचेंज रेट में, और जो करेंसी अमाउंट है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, ये दोनों करेंसी जो हैं ये अगर सेम है तो आप अमाउंट उठाओ जिसको आपको कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली एक्सचेंज रेट से, और अगर दोनों डिफरेंट है, करेंसी का अमाउंट और बेस करेंसी, ये दोनों अलग अलग करेंसी में हैं, तो आप अमाउंट उठाओ डिवाइड में रख दो एक्सचेंज रेट, आपका अमाउंट जो कन्वर्ट होकर जो दूसरा अमाउंट है वो आ जाएगा। एग्जांपल से जो अपन ने लिया था इसी से वेरीफाई कर लेते हैं। पहला हमारा देखो आपकी एक्सचेंज रेट क्या है, $1 = ₹80, यानी यहाँ पे बेस करेंसी क्या है डॉलर। अमाउंट आपका क्या दे रखा था, कन्वर्ट हंड्रेड डॉलर इन रुपी। अमाउंट किस में दे रखा है, डॉलर में, बेस करेंसी क्या है डॉलर, यानी दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट उठाओ $100 मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट कितनी है 80, मल्टीप्लाई करो तो आपका ₹8,000 आ जाएगा, कन्वर्ट हो गया। अब अगर बेस करेंसी और जो अमाउंट करेंसी है वो डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो देख लो अब एग्जांपल से, बेस करेंसी क्या है हमारी डॉलर, सेकंड सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट हंड्रेड रुपीज़ इन डॉलर, कन्वर्ट 1600 रुपीज़ इन डॉलर। तो अमाउंट है 1600 रुपीज़ और बेस करेंसी है डॉलर, अमाउंट क्या है रुपीज़, बेस करेंसी क्या है डॉलर, अमाउंट रुपीज़, बेस करेंसी डॉलर, यानी दोनों डिफरेंट है तो अमाउंट उठाओ कितना है ₹1600, तो 1600 रुपीज़ डिवाइड में एक्सचेंज रेट 80 रुपीज़, तो आपका आ जाएगा $20, कन्वर्ट हो गया। तो ये क्रक्स याद रखो, सिंपल सा है, एक्सचेंज रेट की बेस करेंसी और करेंसी जिसमें अमाउंट दे रखा है वो दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट, दोनों अलग अलग हैं तो डिवाइड कर दो अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट, बस ये क्रक्स याद रखो, इतना पढ़ के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम में, समझ के आपको नहीं करने की जरूरत। और फिर भी क्रक्स याद नहीं रहता है, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो एग्जाम में, याद नहीं रहता क्या क्रक्स था, तो कंसेप्ट लगा लो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, ठीक है। चलिए अब अपना थर्ड टॉपिक देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन में, थर्ड पॉइंट आप नोट डाउन करिए। थर्ड पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये आपका थर्ड टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन में, जो आपको समझना है। हम एक्सचेंज रेट को देखो, सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा है, एक्सचेंज रेट क्या होती है, कैसे हमने उसको डिनोट किया था, उसमें दो कंपोनेंट में बांटा था, बेस करेंसी, प्राइस करेंसी, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट समझे थे, फिर हमने अमाउंट से दूसरे अमाउंट में कन्वर्ट करना सीखा। अब देखो प्रेजेंटेशन एक्सचेंज रेट की कैसे रहेगी, क्वेश्चन में एग्जाम में आपको कैसे दे के रखेगा, आपको जो भी दे के रखेगा उसको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए बस एग्जाम में, $1 = ₹80। एक तो सिंपल सा आपको ऐसा दे देगा, इसमें तो आपको कोई इंटरप्रिटेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो अपने को समझ में आने लग गया $1 = ₹80, $1 की प्राइस दे रखी है ₹80। लेकिन एग्जाम में ऐसा लिख दे, इसका क्या मतलब है, ₹obliquity $80, तो इसको आप कैसे रीड करोगे, देखो आप लाइन से पढ़ते जाओ, सिक्वेंस वाइज पढ़ते जाओ चीज़ों को। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रुपी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रुपी, फिर इसके आगे आप बढ़ोगे तो पर डॉलर, रुपी पर डॉलर ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रुपी पर, इस साइन को ऑब्लिक के साइन को आप क्या रीड करते हो जनरली, पर, इस ऑब्लिक के साइन को आप जनरली क्या रीड करते हो, पर डॉलर, ₹80, थोड़ा सा इसको सोचो, ₹80 यानी $1 में कितने रुपये, क्या बोलना चाह रहा है, ₹1 में कितने रुपये, ₹80, यानी इसका मतलब भी सेम यही है जो अभी अपन ने ऊपर देखा, इसका मतलब भी क्या है, $1 = ₹80, आपको बस ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इसका मतलब भी सेम यही है, आपको समझ में आ गया। तो एग्जाम में ऐसे कोटेशन लिखी हो ना, तो अपने को तो नॉर्मल जो अपन ने ये कोटेशन देखी है ना, ये वाली, इसमें बना लेना है सबको, इस कोटेशन में बना लेना है, $1 = ₹80, इस तरीके से आपको प्रेजेंट कर लेना है जो भी कोटेशन दे रखी हो उसको। इसके बाद आपको ऐसा दे रखा हो सकता है, 80 रुपीज़ पर डॉलर,
80 रुपी का साइन ऑब्लिक डॉलर। तो इसे कैसे रीड करोगे, सेम वैसे ही रीड करते जाओ, 80 रुपी पर डॉलर। ठीक है, कैसे रीड करोगे, 80 रुपी पर डॉलर, सेम वैसे ही आपको रीड करते चले जाना है। तो यानी यहाँ पर भी क्या है, एक डॉलर में 80 रुपये सेम ऊपर वाले की जैसे रीड करना है आपको, वही इक्वेशन बन गई। आपको तो बस ये जो ऊपर इक्वेशन है ना, ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन में चाहे कैसे भी लिखाओ, हम पहले ऐसे सॉल्यूशन में नोट डाउन करेंगे, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद और भी तरीके हो सकते हैं, INR ओब्लिक USD इक्वल्स टू 80, तो सेम वैसे ही रीड करो। INR यानी रुपीज, ठीक है, इन्हें बोलते हैं ISO कोड, इन्हें बोलते हैं ISO कोड, जब ऐसे लिखा जाए ना INR USD, इन्हें ISO कोड बोलते हैं। तो कैसे रीड करोगे, INR यानी रुपीज ओब्लिक USD यानी रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर 80, यानी $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। अब आपको कोटेशन पढ़ना आ गया होगा, सिंपल सा है, ये पर का साइन होता है, इसके बाद जो करेंसी होती है उसके आगे यानी 1 लगा हुआ है, उससे पहले वाली प्राइस करेंसी है। इसके बाद ऐसा भी लिखा हो सकता है, रुपी ऑब्लिक USD इक्वल्स टू 80, ऐसा भी हो सकता है, रुपी ऑब्लिक USD यानी रुपी पर डॉलर 80, वही 80 रुपी पर डॉलर, 80 रुपी पर डॉलर यानी $1 इक्वल्स टू 80 रुपी। इन सब का इंटरप्रिटेशन एक है, जो मैंने यहाँ पे 5 तरीके की प्रेजेंटेशन लिखी है, सबका मीनिंग सेम है, $1 इक्वल्स टू रुपीज 80। इन सब का मीनिंग क्या है, सेम है, $1 इक्वल्स टू रुपीज 80। इन सारी इक्वेशन का सेम मीनिंग है, $1 इक्वल्स टू रुपीज 80। अब देखो, एक ये चीज़ हो गई। अब मान लो मेरे को 1 रुपी चाहिए, पहली वाली इक्वेशन अगर मेरी है $1 इक्वल टू रुपीज 80, लेकिन मेरे को 1 रुपी की इक्वेशन में चाहिए, तो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने आपको बताया था 1 रुपी इक्वल टू, हम रेसिप्रोकल में डाल देते हैं, $0.0125। तो ऐसे इक्वेशन हो सकती है, तो 1 रुपी इक्वल टू $0.0125। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, डॉलर पर रुपी इक्वल टू $0.0125, यानी डॉलर पर रुपी, एक रुपये में कितने डॉलर, 0.025, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.0125 रुपी, सॉरी 0.0125 डॉलर पर रुपी। बिल्कुल सेम वही चीज़ें कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है USD ओब्लिक INR इक्वल्स टू 0.0125, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है USD ओब्लिक रुपी इक्वल्स टू 0.0125। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया प्रेजेंटेशन एक्सचेंज रेट की क्वेश्चन में किस किस तरीके से हो सकती है, हमारा इंटरप्रिटेशन हम कैसे निकालेंगे। जो ऑब्लिक का साइन होता है उसे पर रीड किया जाता है, उसके बाद जो करेंसी लिखी होगी यानी वो बेस करेंसी है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये वाला एग्जाम्पल था, तो यहाँ पर ने देखा रुपी पर डॉलर, क्या देखा, रुपी पर डॉलर यानी $1। ठीक है, तो आपको ये प्रेजेंटेशन को इंटरप्रेट करना आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं अपन, जो आपको और चीज़ें समझनी है इस टॉपिक में। अब देखो, ये तो हो गया जनरली जो हमें इंटरप्रेट करना चाहिए, पर कई बार क्या है, ICI गलती करेगा, ICI यहाँ आ गया वहाँ गलती तो होनी ही होनी है, कुछ ना कुछ तो वो गलती को हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ICI तो अपनी गलती मानेगा नहीं, ICI अपनी गलती मानेगा नहीं, और गलती अगर उनकी गलती की वजह से हम सही आंसर भी करके आएंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो हमें उनकी गलती को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग सही करना पड़ेगा। तो गलती क्या करता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और हमें उस गलती से डर नहीं लगता अब, क्योंकि मैं आपको जब समझाऊंगा तो वो गलती आपको समझ में आ जाएगी, और उसके बाद आप उस गलती के अकॉर्डिंग आंसर करके आ पाओगे एग्जाम में। अब देखो, ये प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट में ही चल रहा है, बट समटाइम्स इट इज़ रॉन्गली गिवन इन क्वेश्चन एज फॉलोज, बट समटाइम्स इट इज़ रॉन्गली गिवन इन क्वेश्चन एज फॉलोज। कैसे रॉन्गली गिवन होगा क्वेश्चन में समझ लेते हैं। USD ओब्लिक रुपी इक्वल्स टू, अब आप लोग एक बार आंसर दीजिए, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लोग आंसर दीजिए, इसे क्या रीड करेंगे हम, हमने जो समझा उसके अकॉर्डिंग तो हम बोलेंगे डॉलर, USD का मतलब डॉलर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर फुल, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो USD का मतलब डॉलर, तो हम इसे क्या रीड करेंगे, डॉलर पर रुपी, डॉलर पर रुपी इक्वल्स टू 80, यानी एक रुपये में कितने डॉलर, $80, जो भी अपन ने समझा उसके अकॉर्डिंग, तो ये इंटरप्रिटेशन आ रहा है। पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा है ₹1 इक्वल्स टू $80, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है, नोट नहीं करना जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसका इंटरप्रिटेशन निकल रहा है
1 रुपी इक्वल्स टू 80 USD। क्या कभी हमने ये ज़िंदगी में देखा है ऐसा? $1.80 के बराबर है, $1 इक्वल्स टू $80, ऐसा कभी देखा है? हमने तो यही देखा है, $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़, हमने तो यही समझा है कि $1 70 रुपये 60 रुपये 80 रुपये, ठीक है। लेकिन कभी भी ये नहीं देखा कि $1 में $80 मिल जाएंगे आपको, ऐसा कभी देखा है? ना हमने देखा, ना हमारे पेरेंट्स ने देखा होगा, ना उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा होगा ये चीज़ तो, ठीक है, जहाँ तक हमें ध्यान है। तो ऐसी चीज़ें रखी यानी कभी पॉसिबल ही नहीं है, यानी आईसीए ने कोटेशन गलत लिखी है। हमें इसको कैसे इंटरप्रेट करना है? हमें इसे सही इंटरप्रेट करना है, ठीक है। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा फिर यहाँ पे, $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़, क्योंकि जो होता है वो यही है। यानी आपने स्ट्रेंथ देखी, आपने देखा कभी रुपीज़ इतना बड़ा हो ही नहीं सकता कि वो $1.80 के बराबर हो जाए, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ सर, ऐसा थोड़ी ना है, कभी रहा होगा बहुत पहले, 100-200 साल पहले, या हो सकता है सर बाद में हो जाए कभी। मैं आपको बता दूं, करेंसी में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आता कि आज $80 का है और एक हफ्ते बाद आप बोलो कि $1 10 रुपये का हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आता। बहुत माइनर फ्लक्चुएशन आते हैं करेंसी में, जनरली पैसेज में, ठीक है, फ्लक्चुएशन आते हैं, या फिर ज़्यादा ज़्यादा आएगा तो $1-2 रुपये का आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा करेंसी में फ्लक्चुएशन, या अफेक्ट मान के चलो, ठीक है। और बहुत पहले भी होता था, तो बहुत पहले आप बोलो कि सर मान लो अभी तो मैंने भी नहीं देखा $1.80 के बराबर, या मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं देखा, पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम सर शायद हुआ करता था, $1.80 तो पता नहीं, पर $50-60 या $40 होता होगा। तो अगर आप ऐसा भी मानते हो या ऐसा जानते हो कि 200-300 साल पहले, 100-200 साल पहले ऐसा होता था, तो उसका आज से क्या लेना देना? आप एग्ज़ाम में तो आज बैठोगे, आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बस आपको आज के टाइम पे ध्यान रखना है, आज क्या चल रहा है आज के टाइम पे। तो सर क्या हमें रेट ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस करेंसी की मार्केट में क्या रेट चल रही है? रेट नहीं ध्यान रखनी, मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा अभी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आपको कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया क्या गलती इन्होंने करी थी? तो ऐसी गलतियाँ कर रखी हैं बहुत क्वेश्चंस में, लेकिन हम इन्हें समझ जाएंगे कि ये उन्होंने गलत किया हुआ है, ये आईसीए ने गलत किया हुआ, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है ना ये गलती, तो ये सही कर लेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको बहुत सारी रेट देखने को मिले, क्योंकि अभी अपन ने क्वेश्चन देखे ही नहीं है कैसे होते हैं फॉरेक्स के, जब क्वेश्चन आएंगे तब की बात होगी वो, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी रेट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। मान लो आपको 5 रेट देखने को मिल रही है एक क्वेश्चन में, वो कैसे क्यों देखने को मिलेंगी, कब देखने को मिलेंगी, उस पर दिमाग मत लगाओ, वो देखने को मिलेंगी, बस ये मान लो। और एक क्वेश्चन में अगर एक कोटेशन को गलत लिखा है तो बाकी जितनी कोटेशन लिखी होंगी वो भी गलत होंगी, फिर बाकी जितनी कोटेशन लिखी होंगी वो भी गलत लिखी होंगी, उनको भी उल्टा पढ़ना पड़ेगा अपने को। जैसे यहाँ हमें उल्टा पढ़ना पड़ रहा है, इन्होंने लिखा तो क्या है USD per rupee = 80, इन्होंने क्या लिखा है USD per rupee = 80, यानी $1 में $80, तो इसे हम उल्टा पढ़ रहे हैं कि $1 = 80 रुपीज़, इसे हम उल्टा रीड कर रहे हैं। यानी अगर क्वेश्चन में एक कोटेशन गलत दे दी ना, यानी उस क्वेश्चन में बाकी सारी कोटेशन भी उन्होंने गलत ही रीड करी होंगी, बाकी सारी कोटेशन भी उस क्वेश्चन में वो उल्टा ही रीड करेंगे, आपको रिवर्स करके ही रीड करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखनी है बात। चलिए अब लिखिए इसमें आगे, सो इन अबो एग्जाम्पल we will read it as $1 = 80 irrespective of its presentation। आईसीए ने चाहे कैसे भी प्रेजेंटेशन कर रखी हो, इसमें हमें इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई कि क्या गलती करते हैं, इसको कैसे आपको सुधारना है वो मैंने आपको बता दिया। अब एग्ज़ाम में सारी क्या रेट याद करके जानी पड़ेंगी? नहीं करनी। आपको क्या करना है उसके लिए भी मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ। इसमें आप लिखो, इन दिस सिनेरियो रिमेंबर that following currencies have higher value in descending order। पॉइंट
पाउंड, ये पाउंड का साइन होता है, ठीक है भाई, आपको याद हो गया होगा ये पाउंड का साइन है। इतनी बार लिखेंगे अपन क्वेश्चंस में, मेजरली यही करेंसी आती है जो दो चार अपन ने भी देखी थी ऊपर भी। तो पाउंड जो है ये सबसे बड़ा है, पाउंड सबसे बड़ा, फिर डॉलर, ये पाउंड से छोटा है, फिर आपका आता है रुपीस, ये डॉलर से भी छोटा है, और सबसे लास्ट में जापानीज येन, इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू येन की होती है। बस ये आपको ध्यान रख लेना है, पाउंड सबसे बड़ा, डॉलर पाउंड से छोटा होता है, और रुपी डॉलर से भी छोटा होता है, और सबसे छोटी वैल्यू येन की होती है, सबसे मतलब गिरी हुई वैल्यू, ठीक है। गिरी हुई अपन इसलिए बोल रहे हैं, जैसे अपन बोलते हैं रुपया गिर गया, रुपया गिर गया मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। आठ डॉलर मान लो, फॉर एग्जांपल वन डॉलर इक्वल टू रुपीज़ 80 है, वन डॉलर इक्वल टू रुपीज़ 80 है, मैं बोलूँ रुपीज़ गिर गया, तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में बोलते हैं ना रुपया गिर गया, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वन डॉलर इक्वल टू रुपीज़ 85 हो गया, इसका मतलब रुपया गिर गया कितने से, पाँच रुपये बढ़ गई ना डॉलर की वैल्यू, इसलिए रुपया गिर गया, ठीक है। तो सबसे गिरी हुई वैल्यू किसकी है, येन की, यानी सबसे छोटा है, यानी उससे बड़ा रुपया है। अगर आपके पास आज 80 रुपये होंगे तो उसके बदले आपको एक डॉलर मिलेगा, अगर वन डॉलर इक्वल टू 80 रुपीज़ रेट है, इसका मतलब ये है। तो यानी पाउंड सबसे बड़ा है, पाउंड क्या है, सबसे बड़ा है, वन पाउंड इक्वल टू 1.2 डॉलर, इसका मतलब 1.2 डॉलर के बदले एक पाउंड मिलता है, यानी किसी के पास अगर, मेरे पास आज अगर 1 पाउंड है ना, उसके बदले मुझे 1.2 डॉलर मिल जाएंगे, यानी पाउंड बड़ा है डॉलर से, जैसे रुपये से बड़ा डॉलर है वैसे पाउंड सबसे बड़ा होता है। तो आप तो बस ये याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार करेंसी आपको हर क्वेश्चन में जनरली देखने को मिल जाएंगी, और क्वेश्चन में गलती कर रखी है नहीं कर रखी वो इनसे पता चल जाएगा। आपको पाउंड दे रखा है तो यानी पाउंड सबसे बड़ा है बस, और उसकी रेट आनी चाहिए। फिर अगर आप मान लो देखो पाउंड सबसे बड़ा है और आपको रेट ऐसे दे दे, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगी, वन पाउंड इक्वल्स टू 90 रुपीज़ ऐसा दे रखा है, रुपी पर पाउंड इक्वल्स टू 90, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन पाउंड इक्वल टू 90 रुपीज़, रुपी पर पाउंड इक्वल टू 90, इसका मतलब क्या हुआ, वन पाउंड इक्वल टू 90 रुपीज़, इसका ये मतलब हुआ, यानी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पाउंड 90 रुपये के बराबर, क्योंकि पाउंड सबसे बड़ा है, रुपया तो छोटा है, रुपया डॉलर से ही छोटा है जबकि पाउंड तो सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन आपको दे देता है यहाँ पे रुपी पर दो पाउंड इक्वल टू 0.50, रुपी पर पाउंड इक्वल टू 0.50, यानी एक पाउंड में 0.50 रुपये, यानी अगर मेरे पास एक पाउंड है और मैं एक पाउंड दूंगा तो उसके बदले मुझे 58 मिलेगी, 0.50 रुपये का मतलब क्या है, 0.50 रुपये का क्या मतलब है, 50 पैसा, जो आप समझते थे पहले 58 जिसको बोलते थे, यानी मैं अगर एक पाउंड दूंगा तो मेरे को 50 पैसे मिलेंगे सिर्फ रुपीज़ के टर्म्स में, 58 मिलेगी, ऐसा हो सकता है, मतलब पाउंड एक दे रहा हूँ मैं और बदले में 50 पैसे मिलेंगे, यानी ये तो बोल रहे हैं कि एक पाउंड 50 पैसे के बराबर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इन्होंने क्या दे रखा है, 1 रुपीज़ इक्वल टू 0.50 पाउंड, इन्होंने ये दे रखा होगा इसका मतलब, ठीक है। आपको समझ में आ गया, यानी बड़े और छोटे से कंपैरिजन क्या करना है, सामने अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सामने वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी इधर वाली करेंसी बेस करेंसी बड़ी है, सामने वैल्यू देखो यहाँ पे क्या थी, सामने वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 90 रुपीज़ 1 से बहुत ज़्यादा है ये, तो यानी ये वाली जो सामने वाली बेस करेंसी है वो ये है, तो अब इसको देख लो ये बड़ी है, यानी ये बेस करेंसी है वो बड़ी है। लेकिन अगर सामने जो वैल्यू है ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से कम है, जैसे यहाँ पे 0.50 है, 1 से कम है, सामने वाली करेंसी की वैल्यू 1 से कम है, तो इसका मतलब ये वाली जो करेंसी है ICA बोल रहा है ये छोटी है। तो क्या हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा है, इसमें अगर मैं देखूँ तो रुपीज़ छोटा है और पाउंड बड़ा है ICA के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल हमारा रुपीज़ छोटा होता है और पाउंड बड़ा होता है, समझ में आया आपको, तो आपको इस अकॉर्डिंग लेना है। तो हमने इसको उल्टा इंटरप्रेट किया तब जाके ये मीनिंग निकला, वैसे तो ICA के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम इसे रीड करते तो क्या होता, देखो नॉर्मली रीड करोगे तो रुपी पर पाउंड 1 पाउंड इक्वल टू 0.50 रुपी, नॉर्मली तो ये आ रहा था, पर ये गलत है, इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है कि पाउंड छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पाउंड तो बड़ा होता है। तो यानी ICA ने रेट दिए 1 रुपी इक्वल टू 0.50 पाउंड की,
क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आई तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पाउंड सबसे बड़ा, उससे छोटा डॉलर, उससे छोटा रुपी और सबसे छोटी करेंसी की वैल्यू येन की। क्वेश्चन में जनरली यही करेंसीज मिलेंगी और इनके बेसिस पे डिसीजन लेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से अपने को ये समझ में आ जाएगा, जहाँ गलती कर रखी होगी आप खुद आइडेंटिफाई करने लग जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का कुछ नहीं किया जा सकता, आईसीआई की गलती है तो हमें कुछ ना कुछ तरीके निकालने पड़ते हैं, वो यही तरीका पॉसिबल है। अब देखो ये चीज़ हो गई, ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। जो टॉपिक नंबर वन अपन ने देखा फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन का, ये आपने नोट कर ली होंगी चीज़ें, नहीं करी हैं तो नोट कर लीजिएगा। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अभी तक ये जो टॉपिक देखा वो फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन का था। एक्सचेंज रेट क्या होती है वो अपने पूरा डिटेल में समझ लिया, उससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो सारी अपने डिस्कस कर ली है। तो ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसमें देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट में मैं आप लोगों को, हमारा रुपी पर डॉलर लिखा हुआ है 80, तो ठीक है 1 डॉलर इक्वल टू 80 रुपीज़ होता है, ये हमने मान लिया तो हम इसे नॉर्मली लिख देंगे 1 डॉलर इक्वल टू 80 रुपीज़। पर इन्होंने लिख दिया डॉलर पर रुपी इक्वल टू 80, तो ऐसा तो होता ही नहीं है, तो हम इसे सही रीड करेंगे 1 डॉलर इक्वल टू 80 रुपीज़, हम उल्टा रीड करेंगे इसको 1 डॉलर इक्वल टू रुपीज़ 80, इस तरीके से हम रीड करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया 1 डॉलर इक्वल टू 0.70 रुपीज़, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया 1 डॉलर इक्वल टू 0.70 रुपीज़, ऐसा देगा नहीं, ऐसा देगा नहीं, अभी तक तो आईसीए ने कभी दिया नहीं है, पर गलती से अगर ऐसा दे दे कि डायरेक्ट ही दे दे 1 डॉलर इक्वल टू 0.70 रुपीज़, अब इसको सही नहीं करना है, इसको सही नहीं करोगे आप। ठीक है, ऐसी होगी तो इसमें ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो उसमें अपन इंटरप्रिटेशन चेंज कर लेंगे अपना, लेकिन जब ऐसे ही बोल दिया साहब ये इक्वेशन दे दी, अगर कभी दे दे गलती से, अभी तक तो दिया नहीं है पर आगे ऐसे कभी दे दे तो आपको ऐसे ही इसको रीड करना है। अब ऐसा मत बोल देना क्वेश्चन में कि 1 रुपी इक्वल टू ये हो ही नहीं सकता, तो 0.70 डॉलर हमने ये मान लिया और हम ऐसे ट्रीट करेंगे, जब उन्होंने खुद ने डायरेक्टली पूरी कोटेशन तरीके से लिख दी, पूरी इक्वेशन में, पूरी कोटेशन को इक्वेशन में लिख दिया खुद ने ही, तो फिर उसी को ही मानना है, फिर उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मान के चलना एग्जाम में। तो ऐसे ही अपन जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो भी टॉपिक होगा उसमें कुछ भी आईसीआई की ऐसी अजम्पशंस होंगी या कुछ गलतियाँ होंगी तो उनको भी हाथ के हाथ समझते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन स्मूथली अपने होते रहें, एग्ज़ाम में अपने को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, सिंपल सा एक प्रोसेस समझते हैं, प्रोसेस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में प्रोसेस कैसे होगा, हम प्रोसेस कैसे करेंगे। अभी हमें आपने समझा तो दिया सर कि एक्सचेंज रेट क्या होती है, अमाउंट कैसे कन्वर्ट करते हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, ये सब तो हमें समझ में आ गया, पर जाएं कहाँ इसके लिए। अगर मुझे पेन खरीदना होता है स्टेशनरी वाली शॉप पे चला जाता हूँ, एसी खरीदनी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे चला जाता हूँ, मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो उस पर्टिकुलर शॉप पे चला जाता हूँ। ठीक है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर मुझे डॉलर खरीदने या डॉलर बेचने हैं, कोई भी करेंसी, सिर्फ डॉलर की बात नहीं है पर डॉलर और रुपीज़ का अपन एग्जांपल इसलिए लेते हैं हर केस में क्योंकि वो इजीली समझ में आता है, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, हमारे रुपीज़ चलता है। फॉरेन करेंसी में अगर मैं आपके माइंड में बोलता हूँ ना फॉरेन करेंसी, तो पहले जो चीज़ क्लिक करती है वो डॉलर ही होती है सभी लोगों के लिए, जितना मेरे को समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए अपन डॉलर और रुपी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो अब मुझे अगर डॉलर या रुपी डॉलर खरीदना है या डॉलर बेचना है तो उसके लिए कौन सी दुकान पर जाऊँ, उसके लिए कहाँ पे जाऊँ। बाकी कोई भी सामान खरीदना होता है तो पर्टिकुलर उसकी शॉप होती है, या फिर मैं अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं पे भी जाके ऑनलाइन भी खरीद सकता हूँ, पर डॉलर के लिए कहाँ जाऊँ ये तो बताओ। आपने सब कुछ तो बता दिया कि प्रोसेस आप कैसे करोगे, तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी भी दुकान होती है, उसकी भी दुकान होती है और उसकी दुकान
कौन होते हैं? उसकी दुकान वाले होते हैं बैंक्स। जिन्हें ऑथोराइज्ड डीलर्स भी बोला जाता है। अगर आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी है या बेचनी है, फॉरेन करेंसी चाहे खरीदनी हो या बेचनी हो, तो आप कहाँ जाते हो? बैंक्स के पास जाते हो, जो कि ऑथोराइज्ड डीलर्स होते हैं। तो बैंक्स का नाम आप इस चैप्टर में अपन डीलर वर्डिंग बोलेंगे बार बार कि डीलर, क्यों? क्योंकि ये ऑथोराइज डीलर होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, ठीक है, फॉरेन करेंसी के ये ऑथोराइज डीलर होते हैं। जो भी बैंक्स आपके, जो नॉर्मल बैंक है ना, SBI, HDFC, ICICI, ये सब ऑथोराइज डीलर हैं। तो इनको ऑथोराइज किसने किया? नाम से समझ में आ जाना चाहिए, ऑथोराइज डीलर हैं किसके? फॉरेन एक्सचेंज के। तो इनको ऑथोराइज किया किसी ने कि आप डीलर बन सकते हो, आप फॉरेन करेंसी बेच या खरीद सकते हो, आप फॉरेन करेंसी बेच या खरीद सकते हो, इन बैंक्स को किसी ने राइट दिया, ठीक है। जैसे एक केमिस्ट है जिसको दवाइयाँ मेडिसिन बेचता है, तो मेडिसिन के लिए उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है मेडिसिन बेचने से पहले। जो भी मेडिसिन की शॉप होती है ना, वो डायरेक्टली कोई इंसान नहीं खोल सकता। आज मेरे को मेडिसिन की शॉप खोलनी है तो मैं खोल नहीं सकता, मुझे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। सामने वाले जो ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी है इंडिया की, वो एक लाइसेंस देती है, और वो लाइसेंस मिलने के बाद मैं मेडिसिन की शॉप ओपन कर सकता हूँ, वहाँ मेडिसिन खरीद बेच सकता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही बैंक्स फॉरेन करेंसी खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन उनको पहले ऑथोराइज डीलर बनना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। तो इनको अथॉरिटी कौन देता है? इनको अथॉरिटी देने वाली जो बॉडी है उसका नाम है RBI, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंक्स को ऑथोराइज करती है और रेगुलेट करती है, रेगुलेट फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स। तो इनको ऑथोराइज कौन करता है? RBI। तो अगर किसी भी बैंक को ऑथोराइज डीलर बनना है, तो उसके लिए उनको RBI में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, वो ऑथोराइज डीलर बन सकते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस होता है, वो अपने को नहीं समझना, वो अपने काम का नहीं है। वो आप CA फाइनल लॉ में आपका एक फेमा है, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें आप समझते हो ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। वो अपने यहाँ कोई काम का नहीं है। तो बैंक्स होते हैं हमारे ऑथोराइज डीलर, यानी अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो बैंक कौन है? ये है शॉपकीपर। बैंक कौन है? शॉपकीपर। जैसे अगर मुझे मेडिसिन खरीदनी है तो मेडिसिन की दुकान पे जाता हूँ, क्योंकि वो मेडिसिन वाला ऑथोराइज्ड है उस मेडिसिन को बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो वो क्या है? शॉपकीपर। तो ऐसे ही मेरे लिए अगर मेरे को डॉलर खरीदना है या बेचना है, तो मेरे को इस बैंक के पास जाना पड़ेगा, कोई भी बैंक के पास मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक वाले ही शॉपकीपर होते हैं फॉरेन करेंसी के लिए, दुकान वाला ये। अपन इसी तरीके से समझेंगे बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में, तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान लगेगा फिर आपको। तो ये हमारा दुकान वाला है बैंक, ठीक है, जिसके पास जाके हम खरीदेंगे या बेचेंगे। तो इसके पास, बैंक वाले के पास जाएगा कौन? कस्टमर्स। बैंक वाले के पास जो लोग जाएंगे वो कौन होंगे? कस्टमर्स। कस्टमर्स बैंक वाले के पास क्यों जाएंगे? टू बाय और सेल फॉरेन करेंसी। बैंक वाला दुकानदार है, फॉरेन करेंसी में डील करने वाला बंदा है, तो उसके पास मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि मुझे फॉरेन करेंसी या तो खरीदनी है उससे, या उसको फॉरेन करेंसी बेचनी है, मेरे पास रखी होगी, ठीक है। तो मैं हूँ कस्टमर। तो दो लोगों के बीच में अब आपके ट्रांजेक्शन होंगे, बस यही आपको समझना है। यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कस्टमर और बैंक। RBI को भूल जाओ, वो अपने काम का नहीं, वो बस मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा, अपने कोई लेना देना नहीं है RBI से, अपने को बस कस्टमर और बैंक, ये दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन करना है। हम क्या हैं? कस्टमर हैं, हम कस्टमर हैं। हम जब भी क्वेश्चन में बात करेंगे तो कस्टमर को ही सोच के अपन बात करेंगे, कस्टमर क्या कर रहा है, ठीक है। कस्टमर कौन होगा? कस्टमर फॉरेन करेंसी का कस्टमर कौन होगा? जनरली या तो कोई इम्पोर्टर होगा या कोई एक्सपोर्टर होगा, ठीक है ना। अगर कि मैं एक इंडिया की कंपनी में मैंने कुछ इम्पोर्ट किया, तो उसका हो सकता है डॉलर में पेमेंट करना है, तो मेरे को डॉलर की नीड है, तो मैं कस्टमर बन जाऊंगा इस केस में बैंक वाले का, क्योंकि मुझे डॉलर खरीदूंगे। मैं कस्टमर्स बता रहा हूँ कि किस किस को ज़रूरत पड़ सकती है बैंक में फॉरेन करेंसी सेल और बाय करने की। ऐसे एक्सपोर्टर की, मैंने अमेरिका में कुछ एक्सपोर्ट किया था, डॉलर मिल रहे हैं, अब वो डॉलर का क्या करूँगा? उनको बेचूंगा बैंक वाले के पास, दुकान वाले के पास जाके, ले भाई डॉलर ले ले, मेरे को तो रुपये में कन्वर्ट करके दे दे, ठीक है। इसके बाद कोई भी कंपनी, जो कंपनी का मतलब
वही जो कंपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में काम कर रही है, जैसे ऑयल कंपनीज होती हैं, इनको क्रूड ऑयल परचेस करना होता है तो डॉलर में पेमेंट होता है इनका, तो वही चीज़ हो गई इंपोर्ट वाली, वही है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कंपनी। ऐसी वर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में देख कर आपको अटपटा ना लगे क्या हो रहा है। फॉर्म जरूरी थोड़ी ना कोई कंपनी हो, किसी ने फॉर्म बना रखी हो वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हो तो उसको भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया कौन कौन कस्टमर हो सकता है, कैसे कैसे आपका इसमें काम होगा। अब चलिए, कस्टमर यही हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, और लोग भी हो सकते हैं। मैं अगर जनरल लैंग्वेज की बात करूँ जिस पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जनरली, लेकिन अगर आप अमेरिका घूमने जा रहे हैं, आप अमेरिका घूमने जा रहे हैं तो अमेरिका में आप घूमने जाएंगे, वहाँ होटल में भी रहेंगे, आपका खाना पीना भी होगा तो उसमें भी पैसा जाएगा, आप कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे कहीं पे भी, वहाँ पे किसी भी चीज़ में आप जाते हैं वहाँ आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। वहाँ पैसा कौन सा खर्च होगा? डॉलर। वहाँ पर अगर किसी होटल में रुकेंगे तो उसको डॉलर देना पड़ेगा, वहाँ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो वहाँ आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, तो आपको चाहिएगा डॉलर। और अब आपको इंडिया से अमेरिका अगर घूमने जाना है तो आपको डॉलर चाहिए सबसे पहली चीज़, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन जो है आपके डॉलर में होने वाले हैं। लेकिन इंडिया में आप हो, आपके पास तो रुपीज़ हैं, आपके घर में भी रुपीज़ हैं, आपका बैंक वाला भी रुपीज़ रखता है, यानी अब आपको बैंक वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे ये 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए इसको तो डॉलर में कन्वर्ट कर दे, क्यों? क्योंकि मेरे को अमेरिका घूमने जाना है, तो उसको भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो किसी को भी ज़रूरत पड़े फॉरेन करेंसी की बाय या सेल करने की तो वो किसके पास जाएगा? बैंक वाले के पास, क्योंकि बैंक वाले ऑथोराइज डीलर होते हैं फॉरेन करेंसी के, यानी दुकान वाले। ये पूरा प्रोसेस होता है। चलिए अब आगे समझते हैं, इस प्रोसेस में बस इतना ही है, ये एक बेसिक जिससे आपको ब्रीफ माइंड में आइडिया हो जाए कैसे प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए मैंने आपको बताया। चलिए थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट, देखो फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज रेट किस किस तरीके की हो सकती हैं वो अपने को समझना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हो जाता है आपके लिए। बेसिक्स ही चल रहे हैं पूरे इस चैप्टर के, बेसिक्स ही चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक होती चली जाएंगी जो भी आप समझ रहे हो। इनके बाद मेन जो डिसीजन मेकिंग की क्या क्या चीज़ें होंगी वो सब बाद में आएंगी, जो अपन बाद में समझेंगे। अभी बेसिक्स में जो आपको समझना है कि एक्सचेंज रेट कितने कितने तरीके की हो सकती है। तो सर आपने अभी एक टॉपिक पढ़ाया था फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन, वो क्या था फिर? वो हमने एक्सचेंज रेट की कोटेशन समझी थी कि एक्सचेंज रेट होती क्या, उसको इंटरप्रेट करना समझा था कि एक्सचेंज रेट को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, क्या होती है एक्सचेंज रेट, कोटेशन कैसे प्रेजेंट करी जा सकती है ये समझा था। उसमें बेस करेंसी कौन सी होती है, प्राइस करेंसी कौन सी होती है, यानी किस चीज़ की प्राइस बता रखी है, वो सब समझा था। अब कितने कितने तरीके की एक्सचेंज रेट होती हैं वो अपने को समझना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंस प्ले करने वाली है। सबसे पहली बिड रेट एंड ऑफर या फिर आस्क रेट, बिड रेट और ऑफर या फिर आस्क रेट, एक होती है बिड रेट, एक ऑफर या आस्क रेट। ये क्या होती है एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिड रेट इज द रेट एट विच डीलर इज विलिंग टू बाय द बेस करेंसी दैट इज लोअर रेट बिकॉज डीलर ऑलवेज want to buy anything at low price, at low price. Second, offer rate is the rate at which dealer is willing
टू सेल द बेस करेंसी दैट इज हायर रेट, दैट इज हायर रेट बिकॉज डीलर ऑलवेज वॉन्ट टू सेल एनीथिंग एट हाई प्राइस. देखो बिड रेट और ऑफर रेट, इसको नोट कर लो क्या होती है बिड रेट और ऑफर रेट. अब देखो एग्जांपल लिख लो इसमें एक. $1 इक्वल्स टू रुपीज 80 या फिर 81. और ये 81 है हमारी ऑफर रेट. अब समझो इसको बिड रेट और ऑफर रेट. देखो एक्सचेंज रेट कितने तरीके की हो सकती है वो अपन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं बिड रेट और ऑफर रेट. ऑफर रेट को आस्क रेट भी बोलते हैं. अब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में कोई भी आइटम आपको परचेज या सेल करना है, कोई भी आइटम आपको परचेज या सेल करना है तो उसके लिए रेट डीलर कोट करता है. बिड रेट और ऑफर रेट डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका मीनिंग नाम है, इनका जो नामकरण किया गया है ना, इनका जो नेम रखा गया है बिड रेट ऑफर रेट, वो डीलर दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है. दुकानदार बेस करेंसी को किस रेट पर खरीदना चाहता है, दुकानदार बेस करेंसी को किस रेट पर खरीदना चाहता है वो होती है बिड रेट, और दुकानदार बेस करेंसी को किस रेट पर बेचना चाहता है वो होती है ऑफर रेट. वापस सुनो, दुकानदार बेस करेंसी को किस रेट पर खरीदना चाहता है, दुकानदार बेस करेंसी को किस रेट पर खरीदना चाहता है वो बिड रेट, और दुकानदार बेस करेंसी को किस रेट पर बेचना चाहता है वो ऑफर रेट. तो एग्जांपल से बताओ, देखो बेस करेंसी अपने एग्जांपल में मैंने यहाँ लिखा $1 इक्वल टू रुपीज़ 80 या फिर 81, रुपीज़ 80 या 81. कभी भी आप दुकान वाले के पास जाओगे ना, वो आपको ऐसे रेट कोट करेगा. मैंने बोला भैया डॉलर की रेट बताओ, तो कोटेशन कैसे लिखेगा $1. भाई जिसकी रेट होती है वो पहले आता है ना, वो होती है बेस करेंसी जिसकी कोटेशन दी जाए. अब इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको. इसके बाद मैंने बोला डॉलर की रेट बताओ, तो वो दो रेट बताएगा आपको, एक रेट ऑब्लिक का साइन, दूसरी रेट ऐसा करके देगा, या फिर ऐसा भी लिख सकता है $1 इक्वल टू रुपीज़ 80-81. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, समझ में आ जानी चाहिए. दो रेट कोट करेगा, इसे हम बोलते हैं टू वे कोट. इसे क्या बोलते हैं, टू वे कोट. दो रेट कोट करता है हमेशा, इसे टू वे कोट बोलते हैं. टेक्निकल लैंग्वेज में वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कहीं काम में नहीं आएगा आपके. ठीक है, तो दुकानदार ने ये रेट कोट करी $1 इक्वल टू रुपीज़ 80 और 81. मैंने बोला भैया ये समझ में नहीं आया क्या चक्कर है, मतलब दो रेट. मैंने बोला डॉलर की रेट, तो दुकानदार कैसे रेट कोट करता है वो समझो. मैं अब इस एक बार फॉरेन करेंसी को भूल जाओ, अपन जनरल एग्जांपल की बात करते हैं, पेन वाला एग्जांपल ही लेते हैं. मैं एक दुकान पे गया, मैंने बोला भैया एक पेन खरीदना है, कंपनी का नाम बता दिया, उसने बोला कितने का, 50 रुपये का. अपना एग्जांपल यही था ना, एक पेन कितने का, 50 रुपये का. ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा था पेन वाला जो शॉपकीपर था, पेन शॉपकीपर, और मैं उसका क्या था, कस्टमर. तो शॉपकीपर मुझे क्या कर रहा था, शॉपकीपर कस्टमर को क्या कर रहा था, सेल कर रहा था पेन की, कितने रुपए में, 50 रुपए में. यही प्राइस बताई थी उसने, क्योंकि मैं पेन खरीदने गया था वहाँ पे, उसने मुझे बोला 50 रुपये. उसने कोई दो प्राइस नहीं बताई, एक ही प्राइस बताई. जनरली तो एक ही प्राइस बतानी चाहिए, दूसरी प्राइस कहाँ से आई. लेकिन फॉरेन मार्केट में, जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट होता है, यानी जो डीलर के पास जब आप फॉरेन करेंसी खरीदने बेचने जाते हो, वहाँ दो रेट होती हैं. वो क्यों होती हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको. आपने पेन वाले शॉपकीपर को बोला भैया पेन की प्राइस बताओ, 50 रुपये है, तो मैंने उससे पेन खरीद लिया. तो कस्टमर ने क्या किया, बाय किया पेन. डीलर ने क्या किया, सेल किया पेन. डीलर ने पेन बेचा, कस्टमर ने बाय किया. सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई आइटम बाय कर रहा हूँ तो कोई सामने वाला मुझे बेच रहा होगा. ठीक है, ये बात माइंड में फिट, बहुत मतलब आपको क्लियर रखनी पड़ेगी. सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक बात है. अगर किसी चीज़ को मैं खरीद रहा हूँ तो सामने वाला उस चीज़ को बेच रहा होगा, तभी तो मैं खरीद रहा हूँ.
या फिर मैं किसी चीज़ को बेच रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को बेच रहा हूँ तो सामने वाला उस चीज़ को खरीद रहा होगा, तो वो बायर होगा और मैं सेलर होगा, और अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं बायर हूँ वो सेलर है। तो पेन का जो शॉपकीपर है उसने मुझे पेन बेचा और कस्टमर मैं हूँ, मैंने पेन ख़रीदा कितने की रेट में, 50 रुपये की रेट में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पेन ख़रीद लिया दुकानदार से, मुझे पता चल गया। मैं इस दुकानदार के पास दो दिन बाद आफ्टर टू डेज मैं दुकानदार के पास वापस गया। ये कुछ भी नोट नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैं दो दिन बाद इस दुकानदार के पास वापस गया क्योंकि मुझे पेन की प्राइस पता चल गई। और मैं गया क्यों, क्योंकि दो दिन पहले मेरा, जब मैं पेन ख़रीद के लाया था उसके बाद मेरा सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया, और सीए फाइनल का रिज़ल्ट आने पे मैं सीए बन गया विद रैंक। तो लोगों ने मुझे गिफ्ट देना स्टार्ट किया, मेरी आर्टिकलशिप फॉर्म वालों ने दिया, मेरे जो कलीग्स थे आर्टिकलशिप में उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। तो सब ने मेजरली गिफ्ट में क्या दिए, पेन दिए। आप लोगों को भी पेन ही मिले होंगे बहुत जगह, मतलब ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों ने मुझे पेन दिए और मेरे पास 100 पेन कलेक्ट हो गए। बहुत सारे लोगों ने मुझे पेन दिए, मेरा रिजल्ट आया, रैंक आई, गिफ्ट में लोगों ने मुझे पेन दिए 100 पेन। कौन से पेन दिए ये मानो, सबने वही पेन दिए जो मैं इस शॉपकीपर से ख़रीदा था, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ABC इस कंपनी के एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के पेन थे। सेम वही पेन लोगों ने मुझे गिफ्ट में दिए, सेम पेन एज इट इज़ न्यू, पैकिंग के साथ पूरे पैक हो रखे हैं एकदम न्यू पेन, और 100 पेन इकट्ठा हो गए। बोलो कि सर ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता। अरे नहीं होता, वो छोड़ो ना, एग्जांपल समझो, अभी टॉपिक को समझना जरूरी है, देख ठीक है। तो सेम वही ABC कैटेगरी के मेरे को 100 पेन गिफ्ट में मिल गए, 100 पेन इकट्ठा हो गए, पैकिंग पन्नी के साथ, पन्नी लगे हुए पूरे पैक के पैक। अब मेरे कोई काम के नहीं है 100 पेन, में क्या करूँगा, ख़राब होंगे। तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना मैं इस शॉपकीपर से, ये जो मेरा शॉपकीपर था जिससे मैं 50 रुपये में पेन ख़रीदा था, वो ABC कैटेगरी का, दो दिन पहले ही, क्यों ना इसको ले जाके बेच दूँ। तो मैं दो दिन बाद इसकी दुकान पे वापस गया, मैंने बोला भैया वो ABC वाला जो पेन था वो कितने रुपए का है। उसने बोला 50 रुपये का। तो कितने दूँ, उसने बोला कितने दूँ, मैं बोला देना नहीं है, मैं आपको देता हूँ, आप ख़रीद लो मुझसे, मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे को 100 पेन मिले हैं कहीं से, मेरे काम के नहीं है, अभी मिले हैं, आप देख लो पूरे पैकेट में हैं, कुछ खोला भी नहीं है, आप ले लो मेरे से। तो दुकानदार बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ, मेरे पास तो बिकते रहते हैं। तो अब की बार क्या हो रहा है, शॉपकीपर और मैं हूँ कस्टमर। ये कौन है शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या कर रहा है, अब की बार पेन बाय कर रहा है। कस्टमर अब की बार क्या कर रहा है, पेन सेल कर रहा है, ठीक है, माइंड में क्लियर हुआ। इस बार क्या कर रहा है, कस्टमर पेन को बेच रहा है, शॉपकीपर बाय कर रहा है। मैंने बोला भैया वो 100 पेन है मेरे पास, ले लो, पूरी गठरी मेरे पास रखी है, पूरा पैक का पैक है, और प्राइस मैंने पूछ ली, वापस कंफर्म कर लिया अभी शॉपकीपर से, शॉपकीपर ने 50 रुपये बताई। मैंने बोला कस्टमर ने कि 100 पेन है, और मैंने दिमाग में कैलकुलेशन करी, 50 रुपये इसने प्राइस बताई है तो 5000 रुपये हो गए। तो मैंने दुकानदार को बोला भैया 5000 रुपये दे दो, लो 100 पेन ले लो, 5000 रुपये दे दो। दुकानदार बोला बेटा ज़्यादा समझदार मत बन, ठीक है ना, 5000 रुपये नहीं दूंगा मैं तेरे को 100 पेन के। मैं बोला ऐसा क्यों, वो बोला मैं तेरे को 4000 रुपये दूंगा, मतलब उसने बोला मैं तेरे को 40 रुपये के हिसाब से दूंगा, एक पेन के 40 रुपये के हिसाब से दूंगा। मतलब डीलर ने, दुकानदार ने क्या बोला, ठीक है मैं तेरे से पेन खरीद तो लेता हूँ, लेकिन देखो 50 रुपये के हिसाब से नहीं खरीदूंगा, 40 रुपये के हिसाब से खरीदूंगा। मैंने बोला भाई 50 के हिसाब से क्यों नहीं खरीदेगा, अभी तूने 50 रुपये रेट बताई थी, दो दिन पहले तेरे से ख़रीदा भी था मैंने 50 रुपये में, और अभी मैंने वापस तेरे से कन्फर्म किया तो 50 रुपये में ही मुझे बेच रहा था, तो 50 में ही लेना। दुकानदार बोला मैं क्या यहाँ पे टाइम पास करने के लिए बैठा हूँ, क्या तेरे से 50 रुपये में खरीदूँ ये 100 पेन, मतलब तेरे से टाइम वेस्ट करूँ तेरे से खरीदने का 50 रुपये का, इस एक्स्ट्रा मेरी स्टेशनरी दुकान में ला के रखूँ, मेरा जो फाइनेंस जाएगा उसकी कॉस्ट भी आती है, सब कुछ आती है, तेरे से 50 रुपये में खरीद के मैं इसको फ्यूचर में दूसरे लोगों को 50 रुपये में बेचूँ, मतलब मैं पागल हूँ, तेरे से 50 में खरीदूँ और बाकी लोगों को 50 में बेचना पड़ेगा, MRP 50 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट क्या है, 0। मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, तेरे को तो फ़ायदा हो गया, तेरे को तो गिफ्ट में मिले थे, तू तो बेच के 5000 रुपये कमा लिया, पार्टी करेगा 5000 रुपये की, उन्हीं लोगों को पार्टी दे देगा जिनसे गिफ्ट लिया था, तो मेरा क्या, समझ में आया। तो डीलर बोलेगा मैं 40 रुपये में खरीद सकता हूँ, बेचना है तो बेच, क्योंकि मैं मार्केट में कहीं से भी लाता हूँ तो मेरे को 40 में मिल जाता है, मैं 40 में खरीद सकता हूँ, तू 40 में बेच रहा है तो बोल। मैं कस्टमर हूँ, मैं बोला ले ले भाई तू 40 में ले ले, मेरे को तो फ्री में मिला है, मेरे क्या जा रहा है, ठीक है, समझ में आई अब आपको बात। अब आपका माइंड में क्या क्रक्स निकल के आया, ये पूरी कन्वर्सेशन का माइंड में क्या क्रक्स निकल के आया, इस पूरी कन्वर्सेशन का एक क्रक्स निकल के आया कि जब दुकान वाला कोई भी आइटम बेचता है तो ज़्यादा प्राइस में बेचता है, और ख़रीदता है तो कम प्राइस में ख़रीदता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि दुकान वाले को प्रॉफिट में रहना है, दुकान वाले को प्रॉफिट में रहना है, और कस्टमर के एडवर्स रेट लगती है, कस्टमर के एडवर्स। अब देखो दुकानदार, इसका मैं क्रक्स लिखूं इसी एग्जांपल का, तो पेन शॉपकीपर जो है, पेन शॉपकीपर जब बेच रहा था, सेल कर रहा था, तो 50 रुपये में कर रहा था, और जब बाय कर रहा था तो 40 रुपये में कर रहा था उसी कस्टमर से। ठीक है, तो दुकान वाला जब भी बेचता है तो 50 रुपये में बेचेगा पेन, और पेन खरीदेगा तो 40 रुपये में खरीदेगा, यानी बेचता ज़्यादा प्राइस में है और ख़रीदता कम प्राइस में, तभी तो वो पैसा कमा पाएगा, अदरवाइज वो बेचारा पैसा कैसे कमा पाएगा। तो यानी इसने ये दो रेट कोट करी, लेकिन ये दूसरी रेट हमको बताता नहीं है, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है इस मार्केट में, जिस मार्केट में अपने को ज़रूरत है वहाँ आपको बताता है वो। तो वहाँ $1 = ₹80 और 81 दो रेट दी थी ना, आप समझ में आ गई होगी आपको बात, बाकी मैं उसको भी एग्जाम्पल से भी समझाऊँगा। तो दुकानदार हमेशा ज़्यादा रेट में बेचता है और कम रेट में खरीदता है। तो ज़्यादा रेट में बेचता है तो ये रेट कौन सी है? सेल करने की रेट, इसे बोला जाता है ऑफर रेट। दुकानदार बोलेगा ये मेरी ऑफर रेट है, ऑफर कर रहा हूँ मैं तुम्हें, इस पे सेल ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, आस्क रेट, जिसे आप आस्क रेट भी बोल सकते हो। और दुकानदार जिस रेट पे खरीदता है उसे वो बोलता है बिड रेट, मैं बिडिंग लगा रहा हूँ, बिडिंग मतलब आप इनका नेम से याद कर सकते हो, बिड लगा रहा हूँ कि खरीदना, खरीदने की बिडिंग कम रेट पे, ठीक है, बिड कर रहा हूँ मैं, तो बिड रेट आपकी 40 रुपये। ये बिड और ऑफर नाम किसने दिए? दुकानदार ने। कस्टमर ऐसा नहीं बोलेगा, कस्टमर जब खरीदेगा तो उस रेट को बिड रेट या ऑफर रेट ऐसा नाम नहीं देगा, दुकानदार नाम देता है बस, बिड रेट ऑफर रेट, ये माइंड में फिट कर लेना, ऐसा मत बोलना। अब देखो इसी केस में, देखो इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ, कस्टमर जो है, कस्टमर बाय कितने पे कर रहा है? कस्टमर बाय कर रहा है 50 रुपये में, और कस्टमर सेल कितने पे कर रहा है? 40 रुपये पे कर रहा है सर। कस्टमर बाय 50 पे कर रहा है, सेल 40 पे, यानी कस्टमर महंगे में खरीदता है और सस्ते में बेचना पड़ता है कस्टमर को। अगर मैं कस्टमर हूँ तो मेरे को महंगे में खरीदना पड़ेगा और सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया ना, एक आदमी अगर सेल करता है तो दूसरे को बाय करना पड़ता है। अब दुकानदार सेल कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा में करेगा और कस्टमर को फिर बाय करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे कस्टमर को खरीदते टाइम महंगी रेट पड़ती है। तो सर कस्टमर को खरीदते टाइम सस्ती रेट क्यों नहीं पड़ती? सिंपल सी बात है, अभी मर्जी किसकी चलेगी? दुकानदार की। भाई वो दुकान वाला वो है, वो बोलेगा मैं तो इतने में बेचूंगा, तो वो खरीदने है खरीद, नहीं तो निकल, सीधा ऐसा बोलेगा, नहीं तो निकल बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा कस्टमर आएगा। और कस्टमर बोलेगा, कस्टमर ने बोला 100 पेन ले लो मेरे पास रखे हुए हैं, दुकानदार ने बोला 40 रुपये में लूँगा, 50 में नहीं लूँ, तो कस्टमर सेल कर रहा है, कस्टमर बोलेगा मैं सेल कर रहा हूँ ज़्यादा में ले लो, दुकानदार बोलेगा 40 में बेचना है बेच, नहीं बेचना तो निकल, कोई भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरी दुकान पे, ठीक है। तो कस्टमर की मर्जी नहीं चलती, मर्जी किसकी चलती है? दुकान वाले की। ये बहुत मैं आपको लॉजिकली क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ का अगर आपका लॉजिक क्लियर हो गया तो कभी भी रेट चूज़ करने में गलती नहीं होगी क्वेश्चन में, और रेट चूज़ करना अगर आप सीख गए, सही रेट चूज़ करना सीख गए, तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, फॉरेक्स में कभी आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यानी मर्जी किसकी चलती है? दुकान वाले की। जिसकी मर्जी चलती है वो फायदे में रहना चाहेगा या नुकसान में? वो फायदे में रहना चाहेगा। तो दुकानदारों की मर्जी चलती है, वो फायदे में रहना चाहेगा, तो वो ज़्यादा में बेचेगा कम में खरीदेगा। और जिसकी मर्जी नहीं चलती, जो बेचारा मजबूर इंसान है, जो बेचारा मजबूर इंसान है, यानी जो ज़रूरत है, देखो जिसको ज़रूरत होती है वो मजबूर है, और जो मजबूर है उसकी बेचारे की मर्जी नहीं चल सकती। तो कस्टमर को ज़रूरत है, मजबूर इंसान है, इसकी मर्जी नहीं चल सकती, तो ये बेचारा क्या करेगा? ज़्यादा में इसको खरीदना पड़ेगा और कम में बेचना पड़ेगा, इसको पड़ेगा, वो चाहता है दुकान वाला, और इसको बेचारे को ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, तो इसके साथ यही रेट लगेगी। तो कस्टमर के साथ हमेशा कैसी रेट लगती है? एडवर्स। और दुकानदार फेवरेबल रेट लेता है, दुकानदार फेवरेबल रेट लेता है, कस्टमर एडवर्स। तो आप किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो। देखो अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ इसी एग्जाम्पल से, दुकानदार पेन बेचेगा कौन सी रेट पे? 50 रुपये पे, सिंपल सा आंसर दिया। कस्टमर पेन खरीदेगा कौन सी रेट पे? 50 रुपये पे। तो मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं, कस्टमर को पेन खरीदना है, कौन सी रेट आप चूज़ करोगे? 50 रुपये। और मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं, दुकानदार को पेन बेचना है, आप कौन सी रेट चूज़ करोगे? 50 रुपये। दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना, अगर कस्टमर को खरीदना है तो दुकानदार बेच रहा होगा, तो कुछ भी लिखा हुआ हो उससे क्या मतलब है? रेट तो सही आएगी, अमाउंट तो सही सेलेक्ट होगा, हमेशा सही सेलेक्ट होगा। तो आप चाहे दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, चाहे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि दुकानदार पेन बेचना चाहता है, दुकानदार पेन बेचना चाहता है, कितने में बेचेगा? 50 रुपये में। और मैं अगर यहीं बोलूँ दुकानदार पेन बेचना चाहता है, तो कस्टमर क्या कर रहा होगा? खरीद रहा होगा, और कस्टमर खरीद रहा होगा तो वो भी महंगे, उसको महंगे में खरीदना पड़ेगा, तो भी रेट लगेगी 50। तो आपकी रेट हमेशा सही सेलेक्ट होगी अगर आपके लॉजिक क्लियर है, फिर चाहिए आप दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या फिर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अपना एक एग्जाम्पल, अब अपने क्वेश्चन इस पर एक टॉपिक पर आ जाते हैं जो अपने को सीखना है। क्वेश्चन में तो पेन वैन तो आना ही नहीं है, वहाँ तो आपको डॉलर रुपी ये सब ही दे के रखेगा।
तो आप उससे और समझ लेते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें आपको दिक्कत आएगी, समझ में आ भी चुका होगा। चलिए अब देखो, बिड रेट, ऑफर रेट या फिर जिसे आस्क रेट बोलते हैं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डीलर नामकरण करता है, कस्टमर नामकरण नहीं करता कभी भी, ठीक है? डीलर आपको बिड रेट, ऑफर रेट ये नाम याद भी नहीं रख रहे हैं, आपको लॉजिकली रेट सेलेक्ट करनी है, आपको लॉजिकली, ठीक है? बहुत जगह मैंने देखा है मार्केट में रेट रटवाई जाती है फॉरेक्स में, बिड रेट, ऑफर रेट और इस अकॉर्डिंग ले लो, कस्टमर बेच रहे ऑफर रेट ले लो, उसमें बिड रेट ले लो, इस तरीके से ऐसे रटवाया जाता है, वो आपको रटना ही नहीं है। आपको तो जैसे मैं कंसेप्चुअली बताया बस वैसे सोचना है। बिड रेट, ऑफर रेट का मीनिंग क्या होता है वो मैंने समझा दिया, बस ये मीनिंग ही आपके काम में आता है आगे, ठीक है? तो बिड रेट यानी ऐसी रेट जिस पे दुकानदार खरीदना चाहता है, दुकानदार खरीदना किस रेट पे चाहता है? कम रेट पे। तो मैंने बिड रेट में ब्रैकेट में लिखा है लोअर रेट, और ऑफर रेट ऐसी रेट जिस पे दुकानदार आइटम को बेचना चाहता है यानी हाई रेट, वही मैंने लिखा है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा $1 = ₹80 या ₹81, तो दुकानदार किसकी प्राइस कोट कर रखा है? अभी अपने सबसे पहले क्या सीखा था, एक्सचेंज रेट की कोटेशन कैसे होती है, तो वो इसलिए सीखा था। अब डॉलर की प्राइस दे रखी है ₹80 या फिर ₹81, तो दुकानदार डॉलर को किस रेट पे खरीदना चाहेगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? सिर्फ डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रुपी मत सोच लेना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन इंटरप्रिटेशन लेंगे, ठीक है? बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो दुकानदार डॉलर को किस रेट पे खरीदना चाहेगा, बाय करेगा, तो अगर दुकानदार डॉलर बाय कर रहा होगा तो किस रेट पे करेगा? 80 पे। और अगर दुकानदार डॉलर बेच रहा होगा तो किस रेट पे बेचेगा? 81 पे। समझ में आया? तो यानी दुकानदार अगर डॉलर बाय कर रहा होगा, इसका क्या मतलब है? कस्टमर डॉलर सेल कर रहा होगा। अब मैं कस्टमर हूँ, मैं डीलर के पास गया, मैंने बोला डॉलर मेरे से ले लो, यानी कस्टमर डॉलर सेल कर रहा है, कस्टमर डॉलर सेल कर रहा है यानी दुकानदार बाय कर रहा है, दुकानदार बाय कर रहा है तो कम रेट पे करेगा यानी 80 वाली रेट लगेगी। अब मैं कस्टमर हूँ, मेरे को डॉलर चाहिए क्योंकि मेरे को कोई इंपोर्ट का पेमेंट करना है, तो मेरे को डॉलर बाय करने पड़ेंगे डीलर से। तो कस्टमर डॉलर बाय करना चाहता है यानी दुकानदार डॉलर सेल करेगा, और दुकानदार अगर डॉलर सेल करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट में करेगा, यानी कौन सी रेट सेलेक्ट होगी? 81 वाली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैंने बहुत पूरी कोशिश करके आपको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी गई होगी, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और इसको अपन नोट कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए आगे इन फ्यूचर इस टॉपिक में। अब इस टॉपिक का क्रक्स, बिड रेट और ऑफर रेट का क्रक्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। डीलर बेस करेंसी को सस्ते में डीलर बेस करेंसी को सस्ते में खरीदता है, जो कि अपने एग्जांपल में $1 = ₹80 हो गई, एग्जांपल से भी मैं आपको यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, और महंगे में बेचता है। मैं हिंदी में इसलिए ये नोट डाउन कर रहा हूँ कि हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, जब आप रिवीजन करने बैठोगे हाँ याद आ जाएगा तुरंत से कि अपन ने क्या सीखा था। तो अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग बेचेगा कितने में डॉलर को? 81 में। यहाँ पे अपनी बेस करेंसी डॉलर है, प्राइस किसकी है? डॉलर की। यहाँ पे किसके खरीदने बेचने की बात हो रही है? डॉलर के, ठीक है? डॉलर के खरीदने बेचने की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया बेस करेंसी को, कभी आप भूल भी जाओ तो। अब आगे देन इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? अगर डीलर बेस करेंसी को सस्ते में खरीदता और महंगे में बेचता तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को बेस करेंसी महंगे में खरीदनी पड़ती है, बाय करनी पड़ती है। कस्टमर अगर बेस करेंसी यानी डॉलर को बाय करेगा तो बताओ कौन सी रेट लगेगी? $1 = ₹81। सिंपल सी बात है ना, कस्टमर बेच रहा है तो डीलर बेस करेंसी सेल कर रहा है,
कस्टमर खरीदा है तो डीलर बेस करेंसी सेल कर रहा है, और डीलर सेल कर रहा है तो ज़्यादा वाली रेट लगेगी, इसलिए कस्टमर को महंगे में खरीदना पड़ता है। आप तो ये सोचो ना, कस्टमर हूँ मेरे को नुकसान ही होगा, मैं कस्टमर हूँ तो मेरी मर्जी थोड़ी ना चलेगी, दुकान वाले की चलेगी, तो मेरे को तो महंगे में तो खरीदना पड़ेगा। और मेरे को कोई भी आइटम, आइटम यानी अपनी बेस करेंसी, आइटम अपना बेस करेंसी होती है कमोडिटी जिसकी अपन बात करते हैं, और सस्ते में अपने को सेल करना पड़ता है, सेल करनी पड़ती है कस्टमर को, बेस करेंसी सस्ते में सेल करनी पड़ती है। अपने एग्जांपल में $1 इक्वल टू ₹80, अगर कस्टमर को डॉलर बेचना है तो ₹80 में बेचना पड़ेगा, 80 वाली रेट एप्लीकेबल होगी। बस आपको क्वेश्चन में ऐसे ही रेट चूज़ करनी है, और रेट जब चूज़ कर लोगे तो क्वेश्चन इजीली आगे हो जाएगा, फिर तो स्टेप्स अप्लाई करने हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट में अपन लिख लेते हैं एडवर्स रेट इज अप्लाइड टू द कस्टमर, इसका मतलब ये हो गया कि कस्टमर पे एडवर्स रेट लगती है, एडवर्स मतलब बेकार वाली रेट, बेकार रेट लग रही है। बेकार रेट क्या होगी, खरीद रहा हूँ तो महंगी वाली रेट लग रही है, और बेच रहा हूँ तो सस्ते वाली रेट लग रही है, ये होती है बेकार रेट। चलिए अब आपका बिड एंड ऑफर रेट मैंने आपको समझा दी है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट में, इसमें कुछ नोट्स और लिखवा देता हूँ आपको बिड एंड ऑफर रेट से रिलेटेड, बिड एंड ऑफर रेट से रिलेटेड कुछ नोट्स, बिड एंड ऑफर रिलेटेड से कुछ नोट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। लिखिए सबसे पहला नोट, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नोट की नंबरिंग डाल देते हैं। फर्स्ट नोट है हमारा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, we will always think from customer's point of view, that is whether customer is buying बेस करेंसी तो हाई रेट अप्लाइड, और सेलिंग बेस करेंसी तो लो रेट अप्लाइड। एग्जाम्पल, £1 इक्वल्स टू 1.2 या फिर 1.25, £1 इक्वल्स टू डॉलर 1.2 या फिर 1.25, तो इसमें आपको दे दिया कस्टमर वॉन्ट्स टू बाय पाउंड, तो हमारी रेट लग जाएगी £1 इक्वल्स टू $1.25, और अगर सेल पाउंड तो रेट लग जाएगी £1 इक्वल्स टू $1.2। एक और एग्जांपल, ₹1 इक्वल्स टू 100 yen या फिर 110 yen, और कस्टमर वॉन्ट टू बाय येन, इट मीन्स सेल रुपी, तो रेट लगेगी ₹1 इक्वल्स टू 100 yen, और सेल येन इसका मतलब बाय रुपी, तो रेट लगेगी ₹1 इक्वल्स टू 110 yen। देखो ये नोट मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसका मीनिंग समझो, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि कस्टमर बेस करेंसी को खरीद रहा है या बेच रहा है। तो सर क्या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी है? हम डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते हो आप। अगर डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका पूरा मैच करेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर फिर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों सोचना है, ऐसा क्यों लिखवाया आपने? क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए। जब आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। मतलब जो मुझे ईजी लगता है सबसे ईजिएस्ट वे, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के सॉल्व करके आओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर डीलर कोई चीज़ बेच रहा है तो वो ज़्यादा रेट में बेचेगा, और डीलर बेच रहा है तो कस्टमर खरीद रहा होगा, कस्टमर को कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो महंगे में खरीदनी पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा वाली रेट ही आएगी। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर मैच करेगा, सब कुछ मैच करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे क्योंकि इसे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब देखो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचेंगे, अगर कस्टमर बेस करेंसी खरीद रहा है, मतलब बेस करेंसी मतलब जिसकी कोटेशन दे रखी है, बार बार मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बेस करेंसी मतलब जिसकी कोटेशन दे रखी है, तो कस्टमर बेस करेंसी खरीद रहा है तो महंगी रेट लगेगी, हाई रेट अप्लाई हो जाएगी। कस्टमर बेस करेंसी को बेच रहा है तो सस्ते में बिकेगा उसका माल कस्टमर का, तो कम वाली रेट अप्लाई हो जाएगी, लो रेट अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कस्टमर हमेशा नुकसान में रहता है। एग्जाम्पल नोट किया मैंने, £1 इक्वल टू डॉलर 1.2 या फिर 1.25। अब तो समझ में आ गया दो रेट होंगी, अब तो आपको अटपटा नहीं लग रहा होगा ये दो रेट लिखना। तो अब मैंने रेट भी देखो पाउंड और डॉलर के लिए, अभी तक हम डॉलर रुपी की ज़्यादा बातें कर रहे थे, लेकिन आपको एग्जाम में सब तरीके का सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इस केस में देखो आपको रेट दे रखिए £1 इक्वल टू डॉलर 1.2 1.25, आप सब चीज़ों से फैमिलियर हो जाओ, इस तरीके से मैंने रेट लिए। अब देखो कस्टमर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कस्टमर को पाउंड बाय करने हैं, या आपने क्वेश्चन से इंटरप्रेट किया कि कस्टमर को पाउंड बाय करने हैं, कस्टमर को पाउंड बाय करने रेट किसकी दे रखी है, पाउंड की, कोई दिक्कत ही नहीं है। पाउंड कस्टमर बाय करेगा महंगी वाली रेट ले लो $1.25। कस्टमर को पाउंड सेल करने हैं, बिल्कुल रेट भी पाउंड की दे रखी है, तो आप कम में सेल होगा, कस्टमर का जो माल है वो कम में सेल होगा, पाउंड सेल होगा कम में $1.2, ठीक है। सेकंड देखो, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बस ये वाली समझ ली तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो ₹1 इक्वल टू 100 yen या फिर 110 yen, दो रेट दे रखी है, रुपये की रेट दे रखी है, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ मत सोचना डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट, मैंने बोला ना वो एग्जाम में कहीं काम में नहीं आने वाला, वो एग्जाम में कहीं काम में नहीं आने वाला, जो काम में आने वाला है वो अपन ने लिखा हुआ है रेट सेलेक्ट करना, बस ये काम में आने वाला है, और फिर उस रेट से अपन अमाउंट कन्वर्ट करेंगे, इतना सिंपल सा आपका फोरेक्स हो जाएगा। अब देखो ₹1 इक्वल टू 100 yen या फिर 110 yen, ये रेट आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कस्टमर को येन बाय करने हैं, कस्टमर को क्या बाय करने हैं, येन बाय करने हैं। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सर रेट तो दे रखी है रुपये की और बोल रहा है कस्टमर को येन बाय करने हैं, अरे तो क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? अब इसको देखो समझने के लिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये चीज़ भी, मैं आपको पेन वाला एग्जांपल ही लेते हैं, सबसे बेस्ट है। शॉपकीपर से कस्टमर क्या कर रहा है, पेन बाय कर रहा है, पेन बाय कर रहे हैं अपन, पेन मैं बाय कर रहा हूँ शॉपकीपर से, तो पेन बाय कर रहा हूँ तो मेरे पास से कुछ जा भी रहा होगा, मेरे पास से क्या जा रहा होगा, मेरे पास से रुपीस जा रहे होंगे कस्टमर को, मेरे दुकान वाले को, मैं उसको रुपये भी तो दे रहा हूँगा। मैं एक दुकान पे जाके 50 रुपये का पेन खरीदता हूँ तो एक हाथ में वो मुझे पेन दे देता है, ये रहा पेन, वो मुझे बोलेगा ये लो पेन, ये पेन आ गए, तो ऐसे तो नहीं दे देगा मैं घर चला जाऊँ, अब नहीं, मैं उसको कुछ पेमेंट करूँगा, मैं रुपीज़ निकालूँगा, 50 रुपये का नोट निकाल के उसको दे दूँगा, तो मेरे पास आया क्या पेन और मेरे पास से चला क्या गया रुपीज़, तो मैंने एक तरीके से रुपीज़ को सेल कर दिया, ये मानो बस। वर्डिंग ऐसे मत बोलना सर रुपीज़ कभी सेल होता है क्या, ऐसा ऐसा मत सोचो, अपने को लॉजिकली सोचना है, मेरे पास से रुपीज़ गया तो मैंने उसे सेल वर्डिंग दे दी, आउटफ्लो को मैंने सेल वर्डिंग दे दी, रुपीज़ गया तो रुपी को मैंने सेल कर दिया और पेन को मैंने बाय कर लिया, यानी एक चीज़ को आप बाय कर रहे हो तो दूसरी चीज़ सेल हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है ना। तो अब अगर कस्टमर, अब आ जाओ अपने एग्जाम्पल में, अब अगर कस्टमर येन बाय करना चाहता है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कस्टमर येन बाय करना चाहता है, कस्टमर अगर येन बाय करना चाहेगा तो क्या होगा बताओ, येन बाय करना चाहेगा तो सामने कोटेशन में क्या लिखा हुआ, रुपीज़, तो रुपीज़ वो बेच रहा होगा कस्टमर, रुपीज़ क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा, मेरे को अगर येन बाय करना है तो मैं यानी रुपीज़ बेच रहा होगा, बिल्कुल लॉजिकली चीज़ है, लॉजिकली सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम दो रेट सेलेक्ट करने में आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाएगा ये प्रोसेस, और बाद में धीरे धीरे आप लेक्चर में आगे चलोगे ना फोरेक्स में, मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगा रेट सेलेक्ट करने की जो मैं यूजुअली फॉलो करता हूं, बहुत इजी टेक्निक है, उसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, बाद में ही आपको अच्छे से समझ में आएगी जब अपन लेक्चर में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे तब अपन देखेंगे, एक चीज़ और बताऊंगा आपको, तो अभी उस सबको भूल जाओ। कस्टमर को क्या करना है, येन बाय करना है, तो यानी रुपीज़ सेल करना है, सिंपल सी बात है, येन बाय करना है, रुपीज़ सेल करना है। अगर यहाँ पर ऐसा दे रखा होता $1 = ₹80, एक बार ये सोच छोड़ो, आप ये देखो
आपको बोला कस्टमर को डॉलर बाय करना है यानी रुपीज़ सेल करना है, ठीक है, और आपको बोला कस्टमर को डॉलर सेल करना है यानी कस्टमर रुपी को बाय करेगा, और आपको बोलते कस्टमर रुपी बाय करेगा यानी डॉलर सेल करेगा, और कस्टमर रुपी सेल करेगा यानी डॉलर बाय करेगा, यानी एक करेंसी को सेल कर रहा है तो दूसरी करेंसी को बाय करेगा। ऐसे ही डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो भी वही होगा कि कस्टमर अगर रुपी बाय कर रहा है तो डॉलर सेल कर रहा है डीलर, और अगर डीलर डॉलर सेल कर रहा है तो रुपी बाय कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका फंडा चलता है इसके अंदर। तो अब अपने एग्जांपल में क्या है कि कस्टमर येन बाय करना चाहता है, येन बाय करना चाहता है यानी रुपी को सेल करना चाहता है, रुपी को सेल करना चाहता है, रुपी को सेल करना चाहता है, ये हमने पता लगा लिया। हमारी कोटेशन किसमें थी, रुपी में, बस अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है क्या पता लगाना है कि जिसमें हमारी कोटेशन दे रखी है, जिसमें हमारी कोटेशन दे रखी है बेस करेंसी, यानी बेस करेंसी जिसमें हमारी कोटेशन दे रखी है, बस वो देखो, वो हमें बाय करनी है कि सेल, तब हम रेट सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आपका तरीका क्या होगा, आप रेट देखोगे, फिर देखोगे कि कस्टमर बेस करेंसी को बाय करना चाहता है सेल करना चाहता है, वो पता लगाओ। डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको बता रखा हो, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में पाउंड में ही रेट थी और बता रखा था कस्टमर को पाउंड बाय करना है या सेल, तो तुरंत पता लग गया। लेकिन इस क्वेश्चन में बेस करेंसी रुपी है लेकिन बता रखा है कस्टमर को येन चाहिए, येन बाय करना है, तो पहले पता लगाओ रुपी के साथ क्या करना चाहता है, येन बाय कर रहा है तो रुपी को सेल करना चाहता है, ये पता लगा लिया। अब कस्टमर रुपी सेल करना चाहता है, कम रेट में होगा तो रेट सेलेक्ट कर ली कम वाली। ऐसे दूसरा केस, कस्टमर येन बेचना चाहता है तो यानी रुपी बाय करना चाहता है, रुपी बाय करना चाहता है तो ज़्यादा रेट लगेगी, कस्टमर नुकसान में रहता है, 110 येन, मतलब बहुत इजीली आपकी रेट सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरा मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट्स अपन लिख रहे हैं बिड एंड ऑफर रेट के अंदर, पहला नोट अपन ने लिख लिया, अब एक और नोट लिखो इसी के अंदर, सेकंड, ओनली इन केस ऑफ फॉरफेट ऑफ, ओनली इन केस ऑफ फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चंस वी विल थिंक फ्रॉम डीलर्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ईज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये क्या चीज़ है, ओनली इन केस ऑफ फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन वी विल थिंक फ्रॉम डीलर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चन। अब ये है फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, एक टॉपिक है फॉरेक्स चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हो, उसके जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पे अपन दिमाग में ये रखेंगे कि डीलर बेस करेंसी को खरीदना चाहता है कि डीलर बेस करेंसी को बेचना चाहता है, मतलब वहाँ पे अपन डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में वो ईजी पड़ेगा, इसलिए मैंने अच्छे से वर्डिंग में लिखा है फॉर ईज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैंने पहले ही बताया किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, आंसर सेम आएगा, आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हम वो मेथड अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें ईजी पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बाकी सभी क्वेश्चन में अपन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि कस्टमर क्या खरीदना चाह रहा है, क्या बेचना चाह रहा है। फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि डीलर क्या खरीदना चाह रहा है, क्या बेचना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नोट, ये नोट आपके अभी काम का नहीं है, बस लिख के रखो, समटाइम्स डीलर विल गो टू another dealer in interbank market for buying or selling the currency. In that case, our dealer will be treated as
कस्टमर, इन दैट केस अवर डीलर विल बी ट्रीटेड एज कस्टमर। ये नोट क्या बोलना चाहता है समझो, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। अपना डीलर है, डीलर कौन, बैंक वाला, ठीक है। मैं डीलर वर्डिंग यूज़ में ले रहा हूँ, अब इसे फ्रैंक हो चुके हो गए आप। डीलर का मतलब अपना बैंक वाला, जिससे मैं फॉरेन करेंसी परचेज या सेल कर रहा हूँ। तो मैं हूँ कस्टमर, ये इसका नाम मैं देता हूँ डीलर वन, डीलर वन, ठीक है। मैं इसके पास गया डॉलर बाय करने के लिए, मैं अपने बैंक वाले के पास गया डॉलर खरीदने के लिए, फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए मैं गया, पर मेरे बैंक वाले के पास डॉलर है ही नहीं, उसके पास बेचारे के पास डॉलर है ही नहीं, ठीक है। कई बार आप पेन खरीदने गए, वो स्टेशनरी वाला एग्जाम्पल, उसके स्टॉक में पेन है ही नहीं, क्या करेगा वो, वो क्या करेगा, वो आपको ऐसे जाने नहीं देगा खाली हाथ, ठीक है। एक मान के चलो आप जैसे कोई बड़े शोरूम में जाते हो, आपको एसी परचेस करनी है, उसके बाद शोरूम में नहीं होगी ना, तो भी आपको अवेलेबल कराएगा। वो क्या करते हैं ये लोग, अब ऐसे ही ये मान लो अपना डीलर जिससे मैं पेन खरीदने गया उसके पास नहीं होगा ना, उसके बगल में उसकी स्टेशनरी की एक और शॉप होगी, वो उस पर जाएगा, जिसका नाम मैंने दे दिया डीलर टू, क्योंकि वो भी स्टेशनरी की शॉप है और ये भी स्टेशनरी की शॉप थी। मैं जिसके पास गया उसके पास पेन नहीं था, तो उसने मुझे ये नहीं बोला मेरे पास पेन नहीं है, वो चुपके से पीछे से गया बगल वाली स्टेशनरी की शॉप पे, जिसका नाम मैंने दिया डीलर टू, और इससे डॉलर बाय कर लिया, इससे डॉलर बाय कर लिया और वो मुझे बेच दिया, क्योंकि कस्टमर मेरे को डॉलर खरीदने थे, तो वो चुपके से डीलर टू के पास गया, उससे डॉलर बाय कर लिया और मुझे बेच दिया, ठीक है। यानी कभी कभी क्या होगा मार्केट में, बस ये मैं समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, ये जो एग्जांपल फ्रेम किया वो इसलिए कि कभी कभी जो अपना डीलर है वो मार्केट में कोई दूसरे डीलर के साथ भी ट्रांजैक्शन करेगा, ठीक है। अपना डीलर मार्केट में दूसरे डीलर के साथ भी ट्रांजैक्शन करेगा, किस केस में करता है, कैसे होता है वो ट्रांजैक्शन, वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, वो ट्रांजैक्शन करेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये होता है इंटर बैंक मार्केट में। इंटर बैंक मार्केट क्यों नाम है इसका, ये भी बैंक है और ये भी बैंक है, ये कोई स्टेशनरी की शॉप थोड़ी ना है, ये तो बैंक है ना, दोनों फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन जो ऑथोराइज डीलर है, तो ये आपस में जब डील करेंगे तो ये क्या बोलेंगे, इंटर बैंक डीलिंग हो रही है, इंटर बैंक डीलिंग हो रही है, इसलिए इस मार्केट का नाम दे देते हैं इंटर बैंक मार्केट। ये इंटर बैंक मार्केट में भी डीलिंग करता है, यानी अपना डीलर जब दूसरे डीलर के साथ डीलिंग करता है इंटर बैंक मार्केट में, तो उस केस में अब बताओ रेट सेलेक्शन में क्या करेंगे। हमने तो बिड और ऑफर रेट पढ़ ली, मतलब हमने देखा कि कौन से केस में हाई रेट लेनी है, कौन से केस में लो रेट लेनी है। बिड और ऑफर माइंड में मत रखो, आप तो ये देखो हाई रेट कब लेनी है, लो रेट कब लेनी है, ये हमने समझा। तो हमने देखा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने सीखा कि कस्टमर जो है उसको महंगी रेट में खरीदना पड़ेगा और सस्ते में बेचना पड़ेगा, ठीक है सर, बिल्कुल ये बताया। लेकिन अब भाई ये ट्रांजेक्शन तो एक डीलर से दूसरे डीलर के बीच हो रहा है, अब मैं कैसे सेलेक्ट करूँ कौन सी रेट लूँगा, अब तो मेरे को वापस कन्फ्यूज़न हो गया। अब मानो अपना डीलर जो ये है, ये डीलर वन, ये अपना डीलर है, ठीक है, इसको मैं अपना डीलर बोल रहा हूँ, अवर डीलर, अपना अपन इसके कस्टमर है ना, तो ये अपना डीलर है। ये बाय करने गया डीलर टू के पास डॉलर, और डीलर टू ने रेट कोट करी $1 इक्वल्स टू 80 या 81। अब वापस कन्फ्यूज़न, अब कौन सी रेट लें, अब कौन सी रेट पे होगा ये ट्रांजेक्शन। तो अब देखो जो अपना डीलर जो है ये बन जाएगा कस्टमर, इसे अपन कस्टमर मानेंगे, इसे अपन कस्टमर मानेंगे, इसे अपन क्या मानेंगे, कस्टमर मानेंगे, और फिर रेट चूज करेंगे। यानी अपना डीलर है कस्टमर, अपने डीलर को क्या करना है, डॉलर बाय करना है, डॉलर बाय करेगा कस्टमर तो महंगी रेट पड़ेगी, तो यहाँ पे जो रेट होगी वो 81 वाली लगेगी, तो इसे कस्टमर मांगेंगे। इसे कस्टमर क्यों माना सर, इसके पीछे कोई लॉजिक भी है या फिर बस ऐसे ही मान लिया इसको कस्टमर, लॉजिक भी होता है इसके पीछे, लेकिन अभी जो मैंने लाइन लिखवाई उसका बस इतना सा मतलब है, जब अपना डीलर इंटरबैंक मार्केट में दूसरे डीलर के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, तो जो अपना डीलर है वो कस्टमर की हैसियत से जाएगा, वो कस्टमर की हैसियत से ट्रीट किया जाएगा, उसे अपन कस्टमर ट्रीट करके रेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेट सेलेक्ट करने में अपने को पता होना चाहिए ना डीलर कौन है कस्टमर कौन है, तो उसे अपन कस्टमर ट्रीट करके रेट सेलेक्ट करेंगे। एक बार पता चल गया ये कस्टमर की हैसियत से जा रहा है तो रेट सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर इसे कस्टमर इसे ही क्यों माना, इसे भी तो मान सकते थे, इसे ही क्यों माना। तो उस डीलर टू दूसरे दुकान वाले के पास गया कौन, ये गया, और मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि मजबूरी किसको है, ज़रूरत जिसको होती है उसको मजबूरी होती है, या ज़रूरत किसको होती है, डीलर वन को, इसको डॉलर की ज़रूरत थी अपने कस्टमर को बेचने के लिए, तो ये मजबूरी में था, ये मजबूरी में था, तो जो मजबूरी में होता है वही तो कस्टमर होता है, तो इसलिए ये कस्टमर है, ठीक है। ये कस्टमर ही है, ये अपनी दुकान पर आराम से बैठा है, तो ज़रूरत इसको होती भाई मेरे को चाहिए डॉलर, वो बोलेगा खरीद ले ले इस रेट में तेरे को ज़रूरत है, ठीक है। तो जिसको ज़रूरत होती है वो कस्टमर होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे वापस से मैंने प्रूव कर दिया क्योंकि इसको कस्टमर क्यों ट्रीट किया ये बताना था आपको, बस यही मैंने लिखा है। समटाइम्स डीलर विल गो टू अनदर डीलर इन इंटरबैंक मार्केट फॉर बाइंग और सेलिंग द करेंसी, इन दैट केस अवर डीलर विल बी ट्रीटेड एज कस्टमर। तो रेट आपको सिलेक्शन, रेट सिलेक्शन करने में बस आपको यही पता होना चाहिए डीलर कौन है, कस्टमर कौन है, फिर बाय हो रही है बेस करेंसी या सेल हो रही है,
रेट सेलेक्ट हो जाएगी, बस आपको ये स्टेप्स लगाते जाने, एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट नंबर फोर लिखो इसी टॉपिक का, इसी टॉपिक में नोट नंबर फोर। एक चीज़ होती है स्प्रेड, एक वर्डिंग होती है स्प्रेड जिसका मीनिंग होता है मीन्स डिफरेंस बिटवीन बिड रेट एंड ऑफर रेट। और अपने एग्जांपल में, अपने एग्जांपल में बताओ डीलर बेच किस रेट पे रहा था ज़्यादा रेट, 80-81 वाली रेट ली थी ना अपने, $1 इक्वल रुपीज 80 या फिर 81 जो मैंने आपको बताई थी। तो उसमें मैं आपको एक बार लिख भी देता हूँ वापस से रेट, डीलर कम रेट पे ख़रीदना चाहता है 80 पे ख़रीदेगा, डीलर डॉलर को महंगी रेट पे बेचेगा 81 पे बेचेगा। तो डीलर के लिए बिड रेट क्या है 80, ऑफर रेट क्या है 81। बिड रेट और ऑफर रेट डीलर नाम देता है, कस्टमर जिस रेट पे ख़रीदता है उसको बिड रेट कस्टमर नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि कस्टमर किस पे ख़रीदेगा, कस्टमर को अगर डॉलर ख़रीदना है तो 81 पे ख़रीदना पड़ेगा, तो इस रेट को आप ऑफर रेट ही बोलोगे। यानी कस्टमर को ऑफर रेट पे ख़रीदना पड़ता है, बिड पे बेचना पड़ता है, क्योंकि जो नामकरण हुआ है बिड और ऑफर वो डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, नामकरण कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बिड रेट और ऑफर रेट 80 बिड रेट 81 ऑफर रेट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है हमारा स्प्रेड। तो स्प्रेड क्या होगा, स्प्रेड इक्वल्स टू 81 माइनस 80 इक्वल्स टू रुपी 1। एक रुपये का स्प्रेड है इस रेट में, इस रेट में एक रुपये का स्प्रेड है। स्प्रेड कोई काम आएगा सर, कोई काम नहीं आएगा, एग्जाम पर्पज से कम्प्लीटली इररेलीवेंट चीज़ है स्प्रेड। बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है स्प्रेड, आपको कहीं पे वर्डिंग देखने को मिल जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आप काम करो इस फील्ड में आपको पता तो होना चाहिए, बोलोगे नहीं तो अजय सर ने पढ़ाया था पर क्या पढ़ाया हमें आज तक स्प्रेड ही नहीं मालूम, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली इररेलीवेंट है। बिड रेट और ऑफर रेट इन दोनों रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड बोला जाता है। 81 माइनस 80 किया तो रुपी 1 का स्प्रेड है, मतलब जो रेट डीलर ने कोट करी है उसमें रुपी 1 का स्प्रेड है, 1 रुपी का स्प्रेड है। स्प्रेड नाम से समझ में आ जाना चाहिए डिफरेंस या गैप, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ रेट अपन ने समझ ली, जिसको अपन ने बोला बिड रेट या फिर ऑफर रेट, बिड रेट या फिर ऑफर रेट। तो आज के लेक्चर को अपन बस यहीं कंप्लीट करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। बिड रेट ऑफर रेट अपन ने समझ ली, और भी तरीके की एक्सचेंज रेट होती हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी मैं आपको एक बार फटाफट से जो आज अपन ने सीखा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने देखा फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन आपको बताती है एक करेंसी की प्राइस दूसरी करेंसी के टर्म्स में, एक करेंसी की प्राइस दूसरी करेंसी के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू रुपीज 80, तो यहाँ पे $1 वो है जिसकी कोटेशन दे रखी है। जैसे मार्केट में आप जाते हो पेन खरीदना है तो 1 पेन इक्वल टू रुपीज 50, तो वहाँ कोटेशन किसकी है 1 पेन की है, एक पेन की प्राइस है ₹50। ऐसे $1 तो यहाँ पे डॉलर की आपको प्राइस बता रखी है ₹80। तो जिसकी प्राइस बताई जाती है यानी जिसकी कोटेशन दी जाती है फिर जिसके आगे 1 लगा होता है उसे बोलते हैं बेस करेंसी, और जो प्राइस दे रखी है, जो सामने प्राइस दे रखी है उसे बोला जाता है प्राइस करेंसी या फिर अदर करेंसी, ठीक है। तो ये अपन ने सबसे पहले समझा था। इसके बाद एक्सचेंज रेट जो है वो दो तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट कोटेशन या फिर इनडायरेक्ट कोटेशन। एक नंबर ऑफ फॉर होम करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, इंडिया वालों के लिए एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के बदले नंबर ऑफ होम करेंसी जो भी दे रखी होंगी वो उसके लिए डायरेक्ट कोट होगा। जैसे इंडिया के लिए होम करेंसी क्या है रुपये, फॉरेन करेंसी डॉलर पाउंड वगैरह कुछ भी। तो एक डॉलर एक पाउंड एक येन किसी की भी रेट हो सामने रुपये में अगर दे रखी है तो वो डायरेक्ट कोटेशन है इंडिया के लिए। और अमेरिका के लिए डायरेक्ट कोटेशन क्या होगा कि सामने डॉलर हो और जो रेट बता रखी हो वो रुपी पाउंड येन किसी की भी बता रखी हो तो वो उनके लिए डायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन क्या है, नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। जैसे इंडिया के लिए होम करेंसी रुपी है तो एक रुपी की जो भी प्राइस दे रखी होगी डॉलर येन पाउंड में वो इंडिया के लिए इनडायरेक्ट कोटेशन होगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन आपस में रेसिप्रोकल होती है एक दूसरे का। आपको अमाउंट कन्वर्ट करना है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अपन ने सीखा था। मान लो अगर आपका अमाउंट जो है जिस करेंसी में अमाउंट दे रखा है वो करेंसी और एक्सचेंज रेट में बेस करेंसी, ये दोनों अगर सेम है तो अमाउंट और एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई कर दो। बेस करेंसी एक्सचेंज रेट में और अमाउंट की करेंसी दोनों अलग अलग है तो अमाउंट को डिवाइड कर दो एक्सचेंज रेट से।
एक्सचेंज रेट की प्रेजेंटेशन कैसे कैसे हो सकती है वो मैंने आपको बताया था। जैसे $1 इक्वल्स टू रुपीज़ 80 है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रुपी पर डॉलर इक्वल्स टू 80, 80 रुपी पर डॉलर ऐसे भी लिखा जा सकता है, INR पर USD इक्वल्स टू 80 या फिर रुपी पर USD इक्वल्स टू 80, कैसे भी लिख दो, इन सबका मतलब है $1 इक्वल्स टू रुपीज़ 80। इसके बाद कई बार क्वेश्चन में ICAI गलत प्रेजेंटेशन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल USD पर रुपी उन्होंने लिख दिया 80, यानी एक रुपये में $80, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको सही रीड करेंगे। सही कैसे रीड करेंगे? $1 इक्वल टू रुपीज़ 80। तो अब इसमें एग्जाम में कैसे ध्यान रखना है, एग्जाम में ध्यान रखने के लिए आपको देखना है हायर वैल्यू करेंसी आपको देखनी है कौन सी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको नोट करवा दी है, सबसे बड़ा पाउंड होता है, उससे छोटा डॉलर, डॉलर से छोटा रुपी, रुपी से छोटा येन, येन सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में प्रोसेस कैसे होता है। RBI ने बैंक्स को ऑथोराइज डीलर बना रखा है जो फॉरेन एक्सचेंज बाय सेल करने का, दुकान वाले होते हैं जो बाय सेल कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज। कस्टमर बैंक के पास जाते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। कस्टमर कौन कौन होते हैं? इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कंपनी फर्म, कोई भी हो सकता है। एक्सचेंज रेट मार्केट में कितने कितने तरीके की होती हैं, सबसे पहले अपन ने जो देखे बिड रेट और ऑफर रेट, ऑफर रेट को आस्क रेट भी बोलते हैं। डीलर जिस रेट पे बाय करना चाहता है उसे बिड रेट बोलते हैं, डीलर जिस रेट पे बेचना चाहता है उसे आस्क रेट बोलते हैं। डीलर हमेशा जब भी खरीदेगा तो कम रेट पे खरीदना चाहेगा, और जब भी बेचेगा ज़्यादा रेट पे बेचना चाहेगा, क्योंकि डीलर हमेशा फ़ायदे में रहना चाहता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाता है, वो दुकान वाला है तो वो अपनी मर्जी चलाता है, ठीक है। तो डीलर बेस करेंसी को सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है, लेकिन कस्टमर जो है वो मजबूरी में जाता है, ज़रूरत में जाता है, और ज़रूरतमंद है, मजबूरी में है तो उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, यानी कस्टमर को एडवर्स रेट अप्लाई होगी, बेकर वाली रेट अप्लाई होगी। बेकर वाली रेट का मतलब कस्टमर अगर बेस करेंसी को खरीदेगा तो महंगे में खरीदना पड़ेगा, और अगर बेचेगा बेस करेंसी को तो सस्ते में बेचना पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम देखेंगे कि कस्टमर बेस करेंसी को बाय कर रहा है, क्या बाय कर रहा होगा तो हाई वाली रेट ले लेंगे, और कस्टमर अगर बेस करेंसी को सेल कर रहा होगा तो सस्ते वाली रेट ले लेंगे। फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चन अपन करेंगे, तो अपन डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के रेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। बाकी अगर आप उसमें भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहते हो तो आराम से सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सॉल्यूशन पे। इसके बाद कई बार डीलर मार्केट में, इंटर बैंक मार्केट में ट्रांजैक्शन करता है दूसरे डीलर के साथ, तो उस केस में जो अपना डीलर है उसे अपन कस्टमर ट्रीट करके रेट सेलेक्ट करेंगे। स्प्रेड का मतलब होता है बिड रेट और ऑफर रेट के बीच का डिफरेंस। चलिए आज अपन ने अपना पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया SFM का, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।